हर किसी की कुंडली में मून है, उसको मालूम होना चाहिए कि उसकी मेंटल स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी। और जिस इंसान ने अपनी मेंटल स्टेबिलिटी पे काबू पा लिया, मन पे काबू पा लिया, वो कोई भी बुरे से बुरे वक्त में से भी निकल सकता है, होना चाहिए। तो अगर आप एक सर्जन हैं, अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है, तो आपके लिए अच्छा है। और मैं ये समझता हूँ कि चंद्रमा जो है ना, वो बहुत कोमल और वो नहीं होना चाहिए, वो कठोर ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने अपने मून के ऊपर विजय पाली, विजय पाली का मतलब जीत गए, जीत गए या उसको एक तरीके से बैलेंस कर लिया। कनेक्टिविटी क्या है? कनेक्टिविटी ये है मैम कि चंद्रमा जो है आपकी लाइफ का सबसे मेजर डोमेन है, सबसे ओके, मेजर डोमेन वो है। ऐसे लोगों को कैसे पता चलता है कि उनपे 7.5 चल रही है? अगर वो सफर कर रहे हैं तो क्या वो शनि की वजह से ही सफर कर रहे हैं? अभी मैंने आपको सैटर्न शनि की एक सिग्निफिकेटर बताया कि वो न्यूटन का थर्ड लॉ है। कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई पंडित जी आपको कोई ऐसी प्रेडिक्शन दे रहा है जिससे आप डीमोटिवेट हो रहे हो, आपके अंदर इंस्पिरेशन नहीं आ रही है, तो आप उस प्रेडिक्शन पे रत्ती भर भी यकीन मत कीजिए, वहां से उठ के चले जाइए, वो इंसान एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं। तो मतलब एक बी, एक आर, एक ए लगाने से अच्छा है कि आप वो फ्रीक्वेंसी ढूंढिए कि जब आपका FM रेडियो उस पे चल पड़े। 98.6 पे चलेगा तो 98.6 पे ही चलेगा, वो ना 5 पे चलेगा ना वो 7 पे चलेगा। जो हमारा एपिसोड है वो है ज्योतिष विद्या पे, जिसको हम आज के मॉडर्न टाइम पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग है और बहुत ही इंसाइटफुल है, और इसलिए आज के जो हमारे गेस्ट है वो है एक एस्ट्रोलॉजी कोच, कर्मा रीडर एंड साइकिक अनुभव। सो अनुभव, वेलकम ऑन ब्रेकिंग द नॉर्म पॉडकास्ट एंड जॉइनिंग आवर पॉडकास्ट, थैंक यू फॉर दैट। तो आज हम आपसे बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, एज यू आर एस्ट्रोलॉजी कोच, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। आप ये बताइए कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट्स होते हैं उनका रोल क्या होता है? देखिए, प्लैनेट्स 9 भगवान ने बनाए हैं, और कभी भी आजकल एक मन में लोगों के वहम डाल दिया गया है कि ये प्लैनेट बुरा है, ये अच्छा है, ये उच्च का है, ये नीच का है। सबसे पहले तो आप खुद से ये सवाल पूछिए कि अगर कोई चीज़ ईश्वर बनाता है तो वो गलत नहीं बना सकता। कुछ भी चीज़ भगवान के द्वारा बनाई हुई गलत हो ही नहीं सकती। उसको गलत या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव करना हमारी इच्छा, इंसान ने किया अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग। मतलब अगर कोई चीज़ मुझे पैसा दे रही है तो वो अच्छी हो गई, कोई मुझसे ले रही हो तो वो बुरी हो गई। तो प्लैनेट्स का मतलब ये होता है, हर प्लैनेट ना आपकी लाइफ के अंदर एक किसी ना किसी डोमेन को सिग्निफाई करता है, कोई ना कोई डोमेन। भौतिक जगत में, हमारे इंसान के जगत में, इंसान जन्म लेता है तो उस चीज़ का कारक कौन है? वो जुपिटर है, जीव, एज ए जीव। इंसान की इच्छाएं, आशाएं, एम्बिशंस, उसका कारक राहु है। बिना इच्छाओं के कुछ हो ही नहीं सकता। आपकी डिटैचमेंट, आपका अध्यात्म और आपका आत्मज्ञान, वो केतु है। आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स, आप किस चीज़ के ऊपर अपनी परफेक्शन डालते हो, वो सैटर्न है। कर्म कारक, जिसको कर्म कारक बोलते हैं, बुरा बुरा, अच्छा बुरा नहीं, कर्म कारक। ये कुछ कुछ न्यूटन के थर्ड लॉ की तरह है कि जिस तरीके का एक्शन होगा वैसा रिएक्शन आएगा। तो शनि कभी भी अच्छा बुरा नहीं होता, वो ये देखता है कि आपने एक्शन क्या किया था, उसका रिएक्शन ले लो, जस्ट लाइक जज। तभी सैटर्न को जज बोलते हैं, उसको कोई लेना देना नहीं है कि आप कैसे व्यक्ति हो। अगर आपने जो गेंद है वो बहुत स्पीड से दीवार की तरफ फेंकी है तो उतनी स्पीड से वो वापस आएगी, वो सैटर्न है, ठीक है। आपकी भौतिक जगत की लग्जरी या प्लेजर बोल लो, वो वीनस है। आपका, आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी और मशीन, वो मंगल है। वाई मशीन? क्योंकि जो हमारा, हमारी बॉडी है वो सबसे एक सटल मशीन है इस कुदरत में। मतलब आप बड़ी से बड़ी मशीनरी लगा लो इस दुनिया में, सारी दुनिया की, दुनिया का पैसा इकट्ठा करके कुछ भी फैक्ट्री लगा लो, आप एक रोटी से ब्लड नहीं बना सकते, खून नहीं बना सकते, लेकिन वही चीज़ हमारा शरीर एक दिन में कितनी बार करता है? फ्री में करता है, बिल्कुल।
तो किसी भी तरीके का मैकेनिज्म, किसी भी तरीके की मशीन, किसी भी तरीके का तंत्र, टेक्निक, नॉट तांत्रिक वाला, तंत्र इज मंगल। मतलब आप खा दूध रहे हो, पी दूध रहे हो, खा रोटी रहे हो, वो कोई भी इंसान खा रहा, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो इन द एंड वो बॉडी का पार्ट ही बनेगा। तो वो जो मशीन है वो मार्स है। आपकी इंटेलिजेंस, आपका नर्वस सिस्टम, आपका थिंकिंग, वो आपकी आपकी कनेक्टिविटी, मतलब हम आपस में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन किस तरीके से, मतलब जरूरी नहीं है कि मैं अपनी बात को बोल के ही आपके तरफ करूं, मतलब मैं आप कोई बात हुई, मैं आपको कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप मेरे फेस एक्सप्रेशन से, बिना फेस एक्सप्रेशन से, इंसान की वाइब से भी पहचान सकते हो इंसान क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है। वो जो कनेक्शन बन रहा है एक वायर की तरह, वो आपका मरकरी है, जिसको बुध ग्रह बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट आपका चित्त, आपका सबकॉन्शियस माइंड, वो मून है, चंद्रमा। मतलब अगर हमने अपने गुरुओं से कोई सबसे बड़ी चीज़ सीखी है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पावरफुल अगर कोई प्लैनेट है पूरे जगत में, तो वो चंद्रमा है। आपकी कुंडली के अंदर या कुछ भी कह लो, कोई प्लैनेट उच्च का है, कोई नीच का है, कोई शुभ है, कोई अशुभ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका मून बैलेंस्ड है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हो। अब बात बैलेंसिंग की आई है, अब ये ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई इंसान अपना मून बैलेंस नहीं कर सकता। दुनिया में भगवान ने हर इंसान को मून दिया है, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं की। हर किसी की कुंडली में शुक्र है, वो पैसा कमा सकता है। हर किसी की कुंडली में जुपिटर है, उसको लक मिलेगा। हर किसी की कुंडली में मून है, उसको मालूम होना चाहिए कि उसकी मेंटल स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी। और जिस इंसान ने अपनी मेंटल स्टेबिलिटी पे काबू पा लिया, मन पे काबू पा लिया, वो कोई भी बुरे से बुरे वक्त में से भी निकल सकता है। मतलब आपके ऊपर कोई बुरा वक्त आया, हर इंसान के ऊपर आता है उल्टा, पर कुछ लोग होते हैं जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, वो उस चीज को ओवरकम कर जाते हैं। तो उनका मून अच्छा होता है? बात अच्छे की नहीं है, बात ये होती है कि हाउ यू डील विद इट। अब फेवर में होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है, क्या होता है, लाइक आप इन्फ्लुएंस्ड, आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आजकल आपको सुनने को मिलेगा, लोग कहते हैं आपका चंद्रमा पीड़ित है, उसको मंगल देख रहा है, वो राहु के साथ मतलब है, बीमार है, पीड़ित है। Okay. मतलब वो दुख, वो थोड़ा सा ना कष्ट में है, सफर कर रहा है। अब ये बुरा है या अच्छा, अभी आप एक ही सेकंड में इसको अच्छा भी बना दोगे, एक ही सेकंड में बुरा भी बना दोगे। कैसे? आप एक सर्जन है, आप मान लो आप डॉक्टर हैं, और आपको किसी की सर्जरी करनी है अभी, और किसी का बॉडी काट के कुछ ना कुछ वो ऑपरेशन उसको ठीक करना है। क्या एक कोमल मन वाला इंसान ये किसी की बॉडी काट सकता है? बिल्कुल भी नहीं काट सकता। मतलब उसका मन जो है कठोर चाहिए, कठोर मन वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो अगर आप एक सर्जन है, अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है, तो आपके लिए अच्छा है। और मैं ये समझता हूं कि चंद्रमा जो है ना, वो बहुत कोमल और वो नहीं होना चाहिए, वो कठोर ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने अपने मून के ऊपर विजय पाली, विजय पाली का मतलब जीत गए, या उसको एक तरीके से बैलेंस कर लिया उन्हीं प्लैनेट से जो उनको दुखी कर रहे हैं, मतलब आपको जो प्रॉब्लम करने वाला एक प्लैनेट होगा, और वही आपकी दवा होगा, और वही आपकी प्रॉब्लम होगा। तो बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो मून को बहुत इफेक्ट कर रहे हैं, करते हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ये कहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट मून है, सैटर्न जो है सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है हमारे एस्ट्रोलॉजी में। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है, क्या ये दूसरे प्लैनेट्स को ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, या दूसरे प्लैनेट इससे इन्फ्लुएंस होते हैं? कनेक्टिविटी क्या है? कनेक्टिविटी ये है मैम कि चंद्रमा जो है आपकी लाइफ का सबसे मेजर डोमेन है। Okay. सबसे मेजर डोमेन वो है। अगर वो पावरफुल है, पावरफुल मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छे प्लैनेट के साथ है, उच्च का नीच का नहीं। बात ये है कि अगर वो अपनी हाईएस्ट एफिशिएंसी पे आप काम उसको लगा रहे हो, तो बाकी प्लैनेट्स का चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, आप उसको टैकल कर लोगे। जैसे कहते हैं कि शनि सबसे ज्यादा मतलब कि गुस्से वाला प्लैनेट, या जस्टिस वाला प्लैनेट बोलो। हाँ. शनि की साढ़े सती जो होती है लोगों पे भारी पड़ी रहती है, और शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत स्लो मूव करता है सारे प्लैनेट्स में से। तो वो जब अगर रिजल्ट देता है अपने उसका अच्छे का, तो वो बहुत अच्छा देता है, बट जब वो खराब होता है तो वो बहुत ज्यादा खराब करता है। तो मैंने तो मून के बारे में मतलब फ्रेंकली नहीं, इतना आपसे ही पता चल रहा है, बट जो मैंने सुना है और पढ़ा तो नहीं है इसके बारे में,
यही सुना है कि हाँ शनि की 7.5 ही लोगों पे चल रही होती है। अच्छा, लोगों को कैसे पता चलता है कि उनपे 7.5 ही चल रही है? अगर वो सफर कर रहे हैं तो क्या वो शनि की वजह से ही सफर कर रहे हैं? अभी मैंने आपको सैटर्न शनि की एक सिग्निफिकेटर बताया कि वो न्यूटन का थर्ड लॉ है, जैसा करोगे वैसा फल, वैसा फल मिलेगा। हाँ। अब एक टाइम के ऊपर कितने ही व्यक्ति जन्मे होते हैं ना, एक सेकंड के अंदर कितने ही बच्चे जन्मते हैं, उनकी एक ही टाइम पे 7.5 ही चलेगी। अब कुछ लोग अच्छा कर रहे होंगे, कुछ लोग परेशान होंगे, ये ऐसा क्यों? वो कुदरत पार्शियलिटी नहीं करती है। वो ये कहता है कि शनि के 7.5 ही उसको बोलते हैं कि जब आपके मून के ऊपर से, वही मून आ गया वहां पे, मून के ऊपर से सैटर्न का ट्रांजिट होता है। ट्रांजिट मतलब एक तरीके से अलार्म, आपने सुबह 4 बजे का अलार्म सेट किया, जैसे जैसे सुई उसके पास जाएगी वो बजने वाला होगा, ठीक वैसी सैटर्न की 7.5 उसको बोलते हैं। अगर उस पीरियड के अंदर इंसान ने अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, अपने मन के ऊपर जो है काम किया, तो उसको वो 7.5 खराब नहीं करेगी। चंद्रमा ना परिवर्तन का कारक है, बदलाव का, कुछ चेंज होना। शनि आपका प्रोफेशन है, तो 7.5 के अंदर वो आपको क्या बोल रहा है कि आपके जो कर्म हैं उसमें बदलाव आएगा। अब एक बात बोली जाती है, वो भगवत गीता में भी लिखी है कि चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट, ठीक है, बदलाव से घबराना नहीं चाहिए। सफर वही इंसान करता है जिंदगी के अंदर जो बदलाव से घबरा रहा होता है। आज मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, आज आप ये काम कर रहे हो, कल को 5 साल के बाद आपके मन में ये आए कि नहीं नहीं ये तो नहीं, अब तो कुछ और करना पड़ेगा। अगर आप अभी से घबरा गए तो आप सफर ही करोगे। और आपने ये मान के चला कि अभी बदलाव ही नियम है, कोई बड़ी बात नहीं होती, ये कुदरत है, तो वो 7.5 आपको इफेक्ट नहीं करेगी। क्यों? कितने भी प्राइम मिनिस्टर उठा लो अपने इंडिया के, जितने भी अपनी पद से चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बने, वो सभी अपनी 7.5 में बने हैं। 7.5 क्या बोल रही है कि आपका काम बदल जाएगा, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, हो सकता है आपकी जॉब चली जाए। नरेंद्र मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके 7.5 चल रही थी। पहली कंडीशन क्या थी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। पहले वो 3-4 करोड़ लोगों को संभाल रहे थे गुजरात में, अब 150 करोड़ लोगों को संभाल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। दूसरी क्या थी, जगह बदल जाएगी या काम बदल जाएगा, चीफ मिनिस्टर से गुजरात से दिल्ली आ गए, बन गए। तीसरी क्या थी कि आपकी जॉब चली जाएगी। टेक्निकली देखा जाए तो जॉब चली गई, चीफ मिनिस्टर की जॉब चली गई, अब नई जॉब आ गई। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये तो भाग्य है, ये वो, नहीं, उस इंसान ने अपना चंद्रमा बहुत बैलेंस रखा है, जिसको हम लग्न बोलते हैं, उनके तो लग्न में बोलते हैं नीच का चंद्रमा है। बात उच्च नीच की नहीं है, बात यह है कि वो मेंटली इंसान बहुत साउंड है। अच्छा, वो इंसान मेंटली बहुत साउंड है, यू नो, डिस्पाइट कि एस्ट्रोलॉजी की अवेयरनेस है या नहीं, इट्स अबाउट कि अगर आप अपने बॉडी माइंड और सोल को साउंड रखते हैं, अगर बैलेंस रखते हैं, तो फिर आपको एस्ट्रोलॉजी की किसी कोई जरूरत नहीं है, अगर आपने अपने बॉडी माइंड और सोल पे काबू पा लिया है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी का तो काम ही ये है आपको गाइड करना, गाइडेंस, सिर्फ गाइडेंस टूल है। आप ये पानी है, पानी में आपने नमक डाल दिया, आपने क्या बोला, मैंने पानी में नमक डाला, और आप इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहोगे, H2O+ सोडियम क्लोराइड, आपको कि ये क्या बोल गया, इसका तो मतलब मुझे समझ नहीं आया। हाँ, पानी में नमक डाल दिया, वो मुझे समझ में आया। मैं आपको आम भाषा में बोलूं कि आपको अपने काम के अंदर परिवर्तन लाना होगा, आपको समझ आ गया। अगर मैं आपको ये बोलूं आपका चंद्रमा इस राशि में, इस नक्षत्र में है, इसका शनि का गोचर इतनी तारीख से इतनी तारीख तक होगा, लोग उसको इजीली नहीं समझ पाएंगे। कंफ्यूजिंग है, कॉम्प्लिकेटेड है, ये एक्चुअली लोगों ने कर दिया है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट, क्योंकि आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। पर अगर आपके पास कोई रेमेडी या सॉल्यूशन के लिए आता है तो आप उसको एक अलग पर्सपेक्टिव से बताएंगे ताकि वो चीज समझ आ जाए। देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज अ प्रैक्टिकल लाइफ। लाइक आजकल क्या है, चार्ट खुले होते हैं, हमारे सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है, बहुत सारी एप्स भी हैं, मतलब पता नहीं कलयुग चल रहा है इसलिए इतनी यू नो इंस्टेंट ऐसे अवेयरनेस आ रखी है वास्तु या न्यूमरोलॉजी और अपना वैदिक एस्ट्रोलॉजी और बहुत सारे डिफरेंट थिंग्स आल्सो, बट उनमें अगर आप देखेंगे तो बहुत मुश्किल है ये देखना कि क्या सच है क्या गलत है, बिकॉज कुछ लोग तो सेम ही बात कर रहे हैं और कुछ लोग बिल्कुल ही उल्टी बात कर रहे होते हैं, तो उसमें कैसे इंसान को पता चलेगा? जैसे कि मैंने पढ़ा था इसके बारे में कि जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो पहले एक मास्टर अपने डिसाइपल को पास डाउन करता था फॉर थाउजेंड ऑफ इयर्स, यू नो, विद द ट्रस्ट एंड प्योरिटी,
और तब जाके उसको वो ज्योतिष विद्या मिलती थी। पर आज के डेट में यू कैन डू अ ऑनलाइन कोर्स इन जस्ट 99 रुपीज, राइट? और आप बन गए वैदिक एस्ट्रोलॉजर, जो सच है, मैं आपको बता रही। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मेरे ठीक अपने है। जानने वाले ये, हैं जो आई एम टेलिंग यू, मेरे अपने जानने वाले हैं जो ऑनलाइन कोर्स करते हैं, उसके बाद दे आर मेकिंग चेंजेस इन देयर लाइफ बिकॉज बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया है, फेथ इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो सोचते हैं कि नहीं, वो 10 कोर्स के बारे में पढ़ेंगे, 10 कोर्स में से एक तो जो सस्ता लगेगा, बेनिफिशियल लगेगा और सबसे इजी क्विक होगा करने के लिए, और फिर इतने में वो बन गए एक्सपर्ट। तो जो इतने सालों पहले हमारे सेजेस और हमारे मास्टर, मतलब कि ज्योतिष विद्या मतलब ज्ञान आया, ज्ञान पढ़ा नहीं, राइट? यू गेट कनेक्टेड टू द यूनिवर्स और फिर आप उसको अवेयरनेस में लाते हैं। बट आज के डेट में इट हैज बिकम वेरी इजी, वेरी इजी, मतलब कि जैसे कि पिज्जा अवेलेबल है, ऐसे ही हमारे लिए एक एस्ट्रोलॉजर अवेलेबल रहेगा, एक वास्तु कंसल्टेंट अवेलेबल रहेगा, फ्री चैट्स हो जाती है। ज्योतिष के नाम पे ना जी, आजकल के टाइम में 100 में से 99 धोखाधड़ी है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई पंडित जी आपको कोई ऐसी प्रिडिक्शन दे रहा है जिससे आप डीमोटिवेट हो रहे हो, आपके अंदर इंस्पिरेशन नहीं आ रही है, तो आप उस प्रिडिक्शन पर रत्ती भर भी यकीन मत कीजिए, वहां से उठ के चले जाइए, वो इंसान एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं। एस्ट्रोलॉजर का काम सिर्फ इतना है कि आपके पोटेंशियल को बढ़ाना और आपके पोटेंशियल को आपको बताना, कमियों को नहीं, किस में कमी नहीं है, हर इंसान में कमी है। जामवंत जी सबसे बड़े मोटिवेशन स्पीकर रहे हैं, जिन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिला दी कि तुम ही जा सकते हो समुद्र को लांग के, वो सबसे बढ़िया गाइडेंस गिवर है। एक एस्ट्रोलॉजर को सिर्फ एक गाइडेंस गिवर होना चाहिए। अब एक दो बच्चे हैं, एक बच्चा है जिसके 2 सब्जेक्ट में है, एक इंग्लिश एक मैथ्स, उसके इंग्लिश के अंदर 100 में से 70 नंबर आ रहे हैं, या मतलब कह लो वो मुश्किल से 60 पे खेल रहा है, पास हो रहा है, और एक मैथ्स में वो उसके 100 में से 80 आ रहे हैं। आप उसका फोकस इंग्लिश पे नहीं करवाओगे, आप उसका फोकस मैथ्स पे करवाओगे ताकि वो 80 को 95 और 100 तक लेके जा सके। अगर आपने सारा फोकस उसका इंग्लिश पे करवा दिया जो 60 पे आ रहा था, हो सकता वो बहुत मेहनत करके 60 से 75 तक आ जाए, लेकिन वो जिसमें 80 आ रहे थे ना, वो भी कमों के 70 हो जाएंगे। मतलब आप अपनी कमियों पर इतना काम मत कीजिए, जो आपकी क्वालिटीज हैं उसको बढ़ाते चले जाइए। और ये एक एस्ट्रोलॉजर का काम है। कोई भी कुंडली दुनिया के अंदर कोई कमजोर नहीं होती है, भी आपकी कुंडली ऐसी नहीं, मैं आपको कमजोर से कमजोर, जिसको कुंडलियां बोलते नहीं, मैं आपको सक्सेसफुल लोग दिखा दूंगा, और जिसको बड़े बड़े ये योग बताते हैं भी बहुत बढ़िया, ये मैं आपको अनसक्सेसफुल लोग दिखा दूंगा, जो मतलब एक तरीके से हारे हुए लोग हैं। मैं समझता हूँ कि कुंडली जितनी ज्यादा किसी इंसान की सफरिंग से भरी होगी ना, वो उतना ही ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि आप किसी को कंफर्ट जोन में डाल दो तो कुछ नहीं कर पाएगा। 4th हाउस आपका कंफर्ट जोन है कुंडली के अंदर। अगर आपका 4th हाउस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, वो इंसान फोर्थ हाउस जो होता है हमारी कुंडली के अंदर, वो कंफर्ट है आपका। किस टाइप का कंफर्ट? हर तरीके का कंफर्ट, हर तरीके का कंफर्ट, हर ईच एंड एवरीथिंग लग्जरी कंफर्ट, मतलब मैं कह सकते हो हर तरीके का कंफर्ट। मतलब मैं आज आपके पास यहाँ आया हूँ, या आपके पास अच्छा फोन है, आप गूगल मैप से देख रहे हो कहाँ है। पुराने टाइम में हम पूछ के जाते थे, भाई ये एड्रेस बताना, तो मतलब कहाँ जाना। I'm living a comfortable life. तो 4th हाउस तो फिर आई थिंक तो सबका ठीक होगा। तभी तो लोग जो है वो परेशान है कि अब तंग आ गए कंफर्ट जोन में रह गए, कि सब कुछ बहुत, लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को जो कंफर्ट है वो 5 स्टार वाला चाहिए, लेकिन ग्रोथ जो है वो इलोन मस्क वाली चाहिए। इलोन मस्क की जरा जाके पर्सनल लाइफ चेक करो, वो कितना घंटे पढ़ता होगा, कितना ज्यादा अपने कंफर्ट जोन को त्याग के चीजों को उसने किया होगा, ठीक है? तो उस चीज की बात करते हैं। खैर एस्ट्रोलॉजी की हम बात करते हैं कि अगर कोई भी प्रेडिक्शन आपको डीमोटिवेट कर रही है ना, तो वो प्रेडिक्शन नहीं है। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट मेंट फॉर प्रेडिक्शन, इट इज फॉर गाइडेंस टूल, गाइडेंस टूल। अब फॉर एग्जांपल अगर लिखा है, मतलब जो चीज तो लिखी है ना, वो destiny. तो होगी डेस्टिनी। अब डेस्टिनी पे हम बात करते हैं, सब कुछ फिक्स नहीं है, क्या हमारे हाथ में? हाँ, कुछ हमारे हाथ में है। कैसे? देखिए, जब हम डेस्टिनी की बात करते हैं ना, तो आम लोगों के पास ना एक बहाना आ जाता है सब कुछ भगवान पे छोड़ने का, कि भाई हमारी तो भाग्य ही वो है, क्योंकि हम अपने हाथ में उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए हम ईश्वर और भाग्य पे छोड़ देते हैं। तो ईश्वर और भाग्य भी इंसान की ही उपज है, वो एक बिलीफ सिस्टम होता है ना, बन गया ना, वो बन गया, मतलब कि सुन के कि अच्छा जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, या अच्छा मैं ऐसा नहीं कर पा रहा तो ठीक है, मेरा टाइम खराब चल रहा है, या 7:30 है, देखिए, या फिर अच्छे से कि आपने ये भी बात की थी कि राशि कोई भी
एस्ट्रोलॉजी किसी का भी बर्थ चार्ट कोई वीक नहीं होता है। हाँ एस्ट्रोलॉजी बर्थ चार्ट रहता है, इसमें कोई ऐसे वीकनेस नहीं होती, नहीं होती है। जो वीकनेस होती है वो इंसान की अपनी लाइफ में खुद होती अपनी है, फ्री विल और उसको चूज करना। हाँ। अपने डिसीजंस को, ठीक है, आप जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो आपकी डेस्टिनी आगे की लिखी जाती है, आप अपनी खुद की डेस्टिनी लिखते हो। सब कुछ फिक्स नहीं है लेकिन एक पैटर्न फिक्स है। फॉर एग्जांपल डिसीजंस और पैटर्न्स के लिए कौन सा प्लैनेट होता है, मैं आपको बताता हूँ। हाउसेस सब कुछ होता है इसमें। देखिए आपका आपकी डेस्टिनी है कि आपका बीमारियों पे खर्चा होगा, ये आपकी डेस्टिनी है। उसका टाइम पीरियड आया, अब आपका बीमारियों पे खर्चा होने वाला है। आपने क्या किया, आपने बीमारियों पे ही खर्चा किया, पर अपनी ना करके किसी और की पे किया। अच्छा। आपने सुना होगा ना भी लोग जो हैं वो चैरिटेबल हॉस्पिटल खोल रहे हैं या दूसरे की मेडिसिन का खर्चा हम उठा रहे हैं। तो यानी कि उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर इंसान का बीमारियों पे या दवाइयों पे खर्चा लिखा था, उसने खुद अपनी फ्री विल से किया, अपनी पे ना करके सामने वाली पे किया, तो वो चीज फुलफिल हो गई। अगर इंसान बचा के रखता, इसीलिए हमारे सनातन में या कहीं भी देखिए दान देने की एक प्रथा रही है कि निकालो दो, जब तक आप दोगे नहीं, वो जैसे टैक्स देते हैं या एक तरीके से डोनेशन देते हैं, तो जब तक वो जाएगा नहीं वो आपके ऊपर ही खर्च होगा। अच्छा मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, जो एस्ट्रोलॉजी है तो ये प्लैनेट्स गिविंग और रिसीविंग पे काम करते हैं। द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव, इज इट लाइक दैट? जैसा आपने बोला डोनेशन, ये एक तरह का दान हो गया। अब बोलते हैं ये करो वो दो, है ना, अपने प्लैनेट्स को ठीक करने के लिए। तो बेसिकली प्लैनेट्स के साथ एक एक्सचेंज चलता है गिविंग एंड रिसीविंग का, क्योंकि रेमेडीज में या किसी भी चीज में विदाउट गिविंग यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस अदर प्लैनेट्स टू वर्क इन योर फेवर, इज इट लाइक दैट? देखिए डोनेशन किसी भी तरीके की हो, आप कभी भी डोनेशन इसलिए मत कीजिए कि आपको कुछ चाहिए। कोई भी डोनेशन किसी एंबिशन से या किसी इच्छा से कि मुझे कुछ बदले में मिलेगा, कोई भी डोनेशन किसी डर से कि मुझे पंडित जी ने बोला या एस्ट्रोलॉजर ने बोला मेरा ये ग्रह वीक है मुझे इसको दे दो, मैं इसी पॉइंट पे आया तो आपको रिजल्ट नहीं कि जैसे गाय को हल्दी पे लगा के आलू खिलाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंकों के लोन और कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी लक्ष्मी वो हो जाती है। और लोग बोलते हैं कि लोगों को ना शॉर्टकट चाहिए। हाँ। लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं अपने कर्मों की, इसीलिए वो अपना जो भार है पाप का वो गाय पे डालना चाहते हैं कि अगर हम गाय को हल्दी खिला देंगे तो शायद हमारे किए गए कर्म जो हैं वो खराब हो जाएं। चंद्रमा जो है वो खाने का कारक है, फूड का। चंद्रमा जो है मदर का कारक है और चंद्रमा धोखे का कारक है। अभी आज थोड़ी देर पहले हमारे पास एक कॉल आई, शायद बाहर से थी, वो ओमान से थी, ओमान या दुबई कहीं से आई थी। उसका क्वेश्चन ये था कि सर मेरी मदर जो है उसकी तबीयत खराब है, शायद साइकोलॉजिकल इशू है, साइकोलॉजी भी मून है, मुझे रेस्टोरेंट, हाँ मस्कट से, मस्कट से आई थी, तो मुझे रेस्टोरेंट से बहुत लॉसेस मिल रहे हैं, चंद्रमा चंद्रमा आपको मून दिख रहा है। वो इंसान 100% अपने खाने के अंदर चीटिंग कर रहा है, मिलावट कर रहा है, इसलिए उसको ये रिजल्ट मिले हैं, या उसका स्टाफ मिलावट कर रहा है। कोई भी भाई देखो बिना उसको क्या मालूम नहीं है कि मैं कहाँ बैठा हूँ। भाई आपके अंडर अगर कोई इंसान काम कर रहे हैं तो आपको अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कंपनी की, अपनी फर्म की मालूम होती है कहाँ क्या चल रहा है। अगर वो इतना बड़ा रिजल्ट नहीं देती, फिर वो कॉन्शियसली हो रही है, क्योंकि जो पाप होता है ना वो शरीर नहीं करता है, पाप मन करता है। पाप क्या होता है? पाप इंटेंट को गलत रखना होता है। पाप किसको बोलेंगे? इंटेंट को गलत रखने को बोलेंगे, अपनी इंटेंशन। अगर मैं किसी का शरीर काट रहा हूँ, मार रहा हूँ, हाँ। तो मैं पाप नहीं कर रहा हूँ अगर मैं सर्जन हूँ तो, हाँ। लेकिन अगर मैं एक चोर हूँ तो, पर मेरा इंटेंट खराब है, हाँ। तो मैं पाप कर रहा हूँ, हाँ। मतलब एक सर्जन भी उस चाकू से किसी शरीर को काट रहा है, हाँ। पर मान लो उसके हाथ से वो इंसान मर गया, पेशेंट जो है डेथ हो गई, ऑपरेशन करते उसको पाप नहीं लगेगा। इंटेंट क्या था? इंटेंट उसका मोटिव बचाने का था, हाँ, मतलब कि लेकिन अगर एक चोर काट रहा है उसका इंटेंट था कि मुझे इससे पैसे लूटने, स्वार्थ निर्भर करता है कि आपके स्वार्थ, और यहीं से इंसान का पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड होता है। अब हर इंसान का पॉजिटिव और नेगेटिव उसके स्वार्थ पे डिपेंड है। उसने हर प्लैनेट को अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव बना लिया, और जहां से उसका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा वहां से वो भागता है पंडित जी के पास उपाय के लिए। नहीं, पर जो स्वार्थ भी पूरा हो रहा है, मतलब कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, इज इट राइट कि मतलब आप किसी प्लैनेट को अपने फेवर में कर रहे हैं फॉर योर ओन बेटर ग्रोथ फाइनेंशियली और रिलेशनशिप वाइज? ये ऐसे कर करके कितना टाइम तो चलता रहेगा, ये रेमेडीज रिपीट करते रहेंगे? इंसान की औकात ही नहीं है कि वो किसी प्लैनेट को अपने अपने कंट्रोल में कर ले।
कर ही नहीं सकता, उसके कंट्रोल में सिर्फ उसके कर्म, कंट्रोल नहीं फेवर में, फेवर में भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान दे सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने बात की फेवर में करना, किसी को चाहिए कि वो अपने केतु को फेवर में करे, नहीं कर सकता। वो फेवर में कर सकता है अपनी इंटेंट को, अपनी नियत को, अपने मोटिव को, अपने उसके पीछे के छुपे हुए कॉज को। अगर कोई इंसान आपको लग रहा है यार ये तो इंसान बड़ा ना रूखा सा बोल रहा है, पर बाद में आपको कुछ दिन बाद पता चला कि यार वो इंसान तो हमारे भला चाह रहा था, इंटेंट उसका साफ था, उसको कभी बुरे रिजल्ट नहीं आएंगे। आप किसी भी प्लेनेट को वश में नहीं कर सकते, जितने भी आज, तभी तो मैं बोल रहा हूं एस्ट्रोलॉजी के नाम पे धोखाधड़ी इसीलिए चल रही है क्योंकि लोगों को शॉर्टकट चाहिए। अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर उनको ये गाइड करता है कि आपकी ये दशा ऑपरेट होने वाली है, आप इस तरीके से कर्म कीजिए और अपना थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा रखिए, तो वो कहेगा नहीं सर कोई मुझे ऐसा बताओ कि मैं क्या ऐसा पहन लूं या कौन remedy सा रेमेडी। तो अब रेमेडी की ही बात करते हैं, आपने वेदास की बात की, रेमेडीज तीन तरीके से डिसाइड होती हैं या पेन से डिसाइड होती हैं, किस तरीके के जो हमारे दुख आते हैं उसको बोलते हैं त्रिविध आघात, तीन तरह के आघात। एक होता है अधियातम अपने थ्रू, एक होता है अधिदैवम अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनी एंड द एनर्जी या जो पावर जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और एक होता है अधिभूतम। अब अधियातम में क्या आता है, अधियातम में तीन चीजें हैं, आहार, विचार और व्यवहार। मतलब ये अगर इंसान इन तीन चीजों को ठीक कर लेता, आहार फूड, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। आप अगर एक बिना मसाले का खाना खा के देख लो 2 महीने, आपके विचार बहुत प्योर हो जाएंगे। अगर लेकिन हम डेली हम जो है वो स्पाइसी खा रहे हैं, ऑयली खा रहे हैं, तो विचार भी वैसे ही आएंगे। और जो पाप करता है इंसान वो विचार से ही करता है, वो हाथों से, वो तो एक मीडियम है। क्योंकि हमारे गुरुदेव से अगर हमने सबसे बड़ी कोई चीज़ सीखी है ना, तो वो ये है कि दुनिया में इस पूरी सृष्टि के अंदर जो सबसे पावरफुल अगर कोई चीज़ है तो वह आपके मन के अंदर आया हुआ एक थॉट। आप यहाँ पॉडकास्ट चला रहे हैं, आपने आपके मन में एक दिन एक थॉट आया होगा कि ये करना, वो वहां से शुरुआत हुई थी, वो बैक वो है, वो थॉट आपके आपकी सोच बनती है, आपके वो कनेक्टिविटी बनती है, एक तरीके से प्लान बनता है, वो आपके वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स आपकी एक्शन बनते हैं, आप टीम इकट्ठी करोगे, उस एक्शन से आपके कर्म बनते हैं, आप किस तरीके का कर्म कर रहे हो, उस कर्म के अकॉर्डिंग आप अपनी और आने वाली जनरेशन की ब्लूप्रिंट डिसाइड करते हो, उनकी डेस्टिनी डिसाइड करते हो। कहां से शुरू हुआ, आहार से, व्यवहार, आपका बिहेवियर, हाउ यू डील विद इट। आप नीचे गए, आपका किसी से ऐसा एनकाउंटर हुआ कि जो आपको भला बुरा बोलने लग गया, अब आपके व्यवहार के ऊपर है कि आपको रिस्पॉन्ड करना है या रिएक्ट करना है। ये फ्री विल है। फ्री विल कैसी है, फ्री विल कुछ कुछ ऐसी है कि अगर आपके घर में एक पेट है, एक डॉग है या एक गाय पाली है, वो एक एक जंजीर से बंधी है या एक रस्सी से बंधी है 1 मीटर की, उस फ्री विल है उसकी, बस वो इतने एरिया के अंदर अपना कर सकती है, उससे बाहर जाके नहीं कर सकती। उससे बाहर जाके अगर कोई इंसान कर्म कर सकता है उस बंधन को तोड़ के, तो वो एक ही कर सकता है, योगी। क्योंकि योगियों के ऊपर एस्ट्रोलॉजी या कोई भी ग्रहों का प्रभाव, डेस्टिनी का प्रभाव होता ही नहीं है, क्योंकि वो उस बंधन से आजाद हो चुके होते हैं। क्योंकि योगी का कारक है केतु, और आजादी, इंडिपेंडेंस या फ्रीडम का कारक है केतु, क्योंकि उन्होंने उन चीजों, क्योंकि जो योगी होता है उसका कोई पास्ट नहीं होता ना फ्यूचर होता, बस वो योगी होता है, वो एज इट इज होता है, वो शिव होता है। व्यवहार और विचार, आपका थॉट, मैंने बोला सब कुछ वहां से स्टार्ट होता है। दूसरा पार्ट था अधिदैवम, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, डेस्टिनी। और डेस्टिनी कुछ लिखी होती है, वो ब्लूप्रिंट है, और डेस्टिनी आप अपनी भी लिखते हो, और आपकी लिखी भी गई है आपके एंसेस्टर्स के कर्मों से, और आप भी किसी ना किसी के एंसेस्टर बनोगे। आज से 100 साल बाद आपकी तीसरी चौथी पीढ़ी चलेगी, आप जिस तरह के कर्म करोगे वो भी उस तरीके के बनेंगे। मैं इसको साइंटिफिकली आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं जेनेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, कर्मास आर जीन्स, क्रोमोसोम और जीन्स की हम बात करते हैं, डीएनए की। आप कोई थॉट मन के अंदर लाते हो, आप क्या करते हो, जीन्स के अंदर एक जीनोम पैटर्न होता है, डीएनए जो होता है, जीनोम जो बनता है, सीक्वेंस बनता है। आप आज अपना अभी इसी वक्त एक थॉट ले आओ मन के अंदर अलग से, वो जीनोम का पैटर्न बदल जाएगा,
वैसे ही क्रोमोसोम बदलेंगे, वैसे जीन्स बदलेंगे, वैसे एक बार डीएनए बदलेगा और वैसे आपके आने वाली संतानों के कैरेक्टरिस्टिक बदल जाएंगे। आप जरा इस बात को कर्मों पे लेके आओ, आप जिस तरह के कर्म करोगे वैसे ही आपके संतानें भुगतेंगी। ईजी वे में बता दी, एक मूवी आई थी सीक्रेट, बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री थी, उन्होंने बोला कि आप किसी आध्यात्मिक इंसान के पास जाओ, उसे पूछो भगवान क्या है, वो बोलेगा भगवान ना था ना है ना होगा, उसको ना बनाया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता है, वो बस एक रूप में होता है फिर वो दूसरा रूप चेंज कर लेता है, वो था हमेशा से था, हमेशा रहेगा और हर जगह है। अब आप एक साइंटिस्ट के पास जाओ, एनर्जी क्या है, सेम शब्दावली मिलेगी कि ना ये थी ना होगी, अब भी है हमेशा रहेगी, ना ख़त्म किए जा सकती है, बस ये फॉर्म चेंज करती है। ठीक उसी तरीके से आपके कर्म है वो एनर्जीज हैं, आपने जिस तरीके से कर्म किया, आपका थॉट पैटर्न चेंज हुआ, आपके जीनोम चेंज हुआ, आपके अब मान लो मुझे ऐसे ऐसे करने की आदत है, मान लो मुझे ऐसे ऐसे करने की आदत है या मुझे कुछ ना कुछ करने की आदत है, मुझे मेरे फादर साहब से क्या सुनने को मिलता है, क्या जो तुम्हारे दादाजी थे ना वो भी ऐसे ऐसे करते थे, तुम उन्हीं की संतान, उन्हीं के डीएनए लेके आए हो, मैंने अपने दादाजी को मान लो नहीं देखा, वो कहाँ से आया, वो डीएनए में आया। आप उसको चाहे डीएनए जीन्स बोल लो, चाहे आप उसको कर्म बोल लो, फिजिकल वो चीजें भी ट्रांसफर हो जाती है, थॉट भी ट्रांसफर होते हैं, बिलीफ सिस्टम भी ट्रांसफर, थॉट ट्रांसफर होते हैं। किसी की कुंडली के अंदर चंद्रमा राहु का कॉम्बिनेशन है, उसका थॉट पैटर्न, उसका थॉट उसके दादाजी के साथ मिलेगा, बिकॉज राहु इज ग्रैंडफादर, चंद्रमा इज योर सबकॉन्शियस माइंड, दोनों कनेक्ट हो गए, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके दादाजी का सबकॉन्शियस माइंड वो सोचते कैसे थे, वहां से वो चीजें, एस्ट्रोलॉजी यहां से शुरुआत होती है किसी भी चीज की। अब मून राहु की हम बात कर रहे हैं, मून क्या है, मून आपके थॉट्स हैं, राहु विजुअलाइजेशन है, विजुअल्स, अब यहाँ से रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पे विजुअल्स रिकॉर्ड हो रही है, कोई इंसान आज वीडियो देख रहा हो सकता है उसको 2 या 3 महीने बाद ये वीडियो याद आए, तो वो जो विजुअल्स आ रही है ना वो राहु आ रही है, तो मून राहु वाला व्यक्ति विजुअल के फॉर्म में थॉट्स लेगा, कैसे, आप इसको अपने मुताबिक जो है वो, मैंने बोला था ना कि आप चंद्रमा को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, चंद्रमा के साथ वाला प्लैनेट बताएगा आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, मून राहु कितना बुरा कॉम्बिनेशन बोला जाता है, कैसे कंट्रोल करोगे। अब जैसे ये कप है, मैं इस कप को उठाता हूँ और मैं आपको ये बोलता हूँ ध्यान से कहीं गिर ना जाए, ध्यान से कहीं टूट ना जाए, तो आपके मन में क्या आ रहा है अभी कि कप क्या हो रहा है, टूटने वाला है, पर मैंने तो मना की है, टूट सकता है, आपके मन में के अंदर एक छवि बन रही है कि टूट रहा है या टूट सकता है, और यू आर आस्किंग मी टू बी मोर केयरफुल, ये कप ना टूट जाए, तो आपके मन में टूटा हुआ कप आएगा अपने आप, एक एक छवि बनेगी, इसको साइड कर दो, बना ना, जो हमारा माइंड है ना, जो हमारी विजुअल्स है वो नो के फॉर्म में नहीं सोच सकती हैं, वो हो सकती, बस वो सोचती हैं, मतलब मैं लेट ना हो जाऊं, मैं लेट ना हो जाऊं, आप लेट हो जाओगे, क्योंकि आप उसको कमांड कहां से दे रहे हो, बार बार बार, ये राहु है, किसी चीज को बार 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 दोहराना इस राहु है, और यहीं से मैनिफेस्टेशन चलती है, और जब रात को से सोने लगते हैं तो वो दिमाग में जो मूवी चलती है वो राहु है, किसी भी तरीके की माइंड एक स्टोरीज बनती है, यू नो होता है, देखो अगर आपके अंदर विजुअलाइजेशन की फॉर्म अच्छी है तो वो एक तरीके से राहु है, विजुअलाइजेशन, किसी भी चीज को विजुअलाइज करना, आपकी कुंडली के अंदर मून राहु जैसा कॉम्बिनेशन है और आप मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्टेशन को लाना है कि मेरी लाइफ में ये हो जाए, आपको सबसे बढ़िया रेमेडी ये देता हूँ कि आप आराम से दिन में 2 या 3 मिनट निकालो, डीप ब्रीदिंग करो, शांत हो जाओ और जो आप चाहते हो उस चीज को विजुअलाइज करो कि मेरे साथ वो एक्चुअल में हो रहा है, मैं उस चीज को देख रहा हूँ, मतलब आपको मैं अपनी मेरे चार्ट के अंदर मून राहु का कॉम्बिनेशन है, मैंने कभी लाइफ के अंदर ये विजुलाइज किया था मैं पॉडकास्ट करूंगा, और ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है ये, 1-1.5 महीने पुरानी बात है, मैंने विजुलाइज किया अपने आपको, मैं हाँ हाँ मैं उस कंडीशन में बैठा हूँ, मतलब मैं देख रहा हूँ अपने आपको, मैं ये कर रहा हूँ, मतलब अपने आपको विजुलाइज कर रहा हूँ, वो चीज अपने आप आपकी जिंदगी के अंदर अट्रैक्ट हो जाएगी। अब एक पंडित जी या आपको डराने के लिए बोलेंगे आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा राहु है, आपको ये करना चाहिए, आप ये पहन लो या कर लो, आप उसको प्रैक्टिकल रेमेडी दो कि आपकी कुंडली के अंदर मून राहु है, आप विजुअलाइज जो करोगे आप वो बनोगे, मतलब मेरे आपके चार्ट के अंदर आप यहाँ पे किसी तरीके की ऐसी कोई तस्वीर लगा लो, आप उसके करेक्टरिस्टिक्स आप में आने शुरू हो जाएंगे, ये वो कॉम्बिनेशन बोल रहा है। Like what you are seeking is seeking you to. हमारे गुरुदेव बहुत अच्छी बात बोलते हैं, व्हाट यू सी व्हाट यू बिकम इन मून राहु कॉम्बिनेशन, व्हाट यू सी हियर इन योर विजुलाइजेशन, करेक्ट, चाहे आप आंखों से देख रहे हो, राहु को क्या बोलते हैं, हेड है, बोलते हैं ना, हेड का क्या काम है, ऑब्जर्व करना, देखना, और केतु को क्या बोलते हैं, बॉडी है, उसके पास दिमाग नहीं है, उसके पास मुंह नहीं है, वो फील करता है।
आपको गूज बम्स आते हैं ना, जैसे लोगों को वो फील करना होता है, मतलब आपका उसको अगर एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में कहें तो केतु है, वैसे इंग्लिश में कहें तो गूज बम्स हैं। अगर मून केतु है तो आप जिंदगी के अंदर मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो तो दो चीजें करो। पहला ये कि अपने आप को फील करो कि मैं वहां बैठा हूं, बस मैं वहां बैठा हूँ, विजुलाइज नहीं कर रहा, मतलब मैं आंखें बंद करके अभी मैं घर पे बैठा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ, लाइक मेंटली एंड फिजिकली एंड इमोशनली यू हैव टू लिव दैट, लिव दैट मोमेंट। बहुत सही बात, ये लाइन बहुत अच्छी है, मुझे आपने ये चीज दी आज, लिव दैट मोमेंट केतु के लिए। दूसरी चीज होती है केतु इज राइटिंग, लिखना, कैथारसिस, मैनिफेस्टेशन करें, जर्नलिंग करें, जर्नलिंग करें, बिल्कुल ठीक बात है। केतु को लिखने से इसीलिए कहा गया है क्योंकि केतु की जब हम बात करते हैं तो उसको एक देवता से जोड़ते हैं, गणपति जी से, गणेश जी से, गणेश जी से। और गणेश जी पहले ऐसे देवता थे जो कहा जाता है कि उन्होंने वेदों को या विद्या को लिखना शुरू किया था। सबसे पहले लिखना उन्होंने शुरू किया था। महाभारत किसने लिखी? गणेश जी ने लिखी। वेदव्यास जी ने तो कही और लिखी उन्होंने। तो लिखने के जो है ना देवता वो गणेश जी है, केतु है। तो अगर आप कभी भी देखो कोई इंसान डिप्रेशन में है, मून केतु इज द कॉम्बिनेशन फॉर डिप्रेशन। आपको कोई कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आप उसको सिंपली बोलो बेटा कैथारसिस करो। व्हाट इज कैथारसिस? उल्टी करना। उल्टी करना क्या होता है? निकालना मन में से। आपके माइंड में कोई थॉट बहुत ज्यादा कर रहा है, आप उसको लेके बहुत डिप्रेस्ड हो, आप उस चीज को एक बार लिख दो। एक वो मूवी थी शायद, वो क्या, शाहिद कपूर की, जब वी मेट, उसमें वो फोटो को जला देता है, जला के फेंक देता है। वो कहता है कैसा लगता है? मुझे एक्चुअली अच्छा लग रहा है। वो क्या? वो कैथारसिस है, दैट इज अ रेमेडी, लेट गो करना। मतलब तो फिर वो मैनिफेस्टेशन में कैसे आता है? अपने आप आएगा। चंद्रमा इज, मून इज द कारका ऑफ ग्रेविटेशनल पुश। सीक्रेट में क्या दिखाया जाना है, क्या दिखाया गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा बताएगा कि आप अपनी जिंदगी के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरीके से यूटिलाइज करोगे। हर इंसान विजुअलाइज करके चीजों को यूटिलाइज नहीं कर सकता, मैनिफेस्ट नहीं कर सकता। हर इंसान लिख के या उस चीज को फील करके नहीं कर सकता। ये आपकी कुंडली बताएगी कि आपके लिए मैनिफेस्टेशन की कौन सी टेक्निक अच्छी है, वो आपका चंद्रमा बताएगा। आपकी कुंडली के अंदर मार्स मून का कॉम्बिनेशन है, आप चाहते हो कि मेरे साथ वो चीज हो, आप उस चीज को ना एक्शन में करना शुरू कर दो एक्टिवली। मैं लैपटॉप लेना चाहता हूँ जिंदगी में, उसको अट्रैक्ट करना चाहता हूँ। मैं बस बैठाऊंगा, आराम से बैठाऊँ और आराम से ना ऐसे मैं फील कर रहा हूँ कि मैं अपनी उंगलियों को ना अपनी टाइप कर रहा हूँ, मेरे पास लैपटॉप है। मार्स एक्शन, वो जिंदगी, वो जो पूरी सृष्टि अपने आप आपको वो चीज दे देगी, 100% दे देगी। ओके, तो मैनिफेस्टेशन और एस्ट्रोलॉजी का। अच्छा ये बताइए कि ये फिर जो से एक होता है कि लोग भगवान का नाम लिखते रहते हैं बुक्स पे, हाँ, उसका क्या पर्पस है? मतलब कि राम 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 राम, और या फिर कुछ नंबर्स भी लिखते हैं लोग, मैंने देखा है, उसका क्या है जर्नलिंग से या मैनिफेस्टेशन? देखिए इसमें मेरी पर्सनल राय ये है कि आपको वो लिखना चाहिए जो एट द टाइम आपके मन में चल रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई लेडी है, वो अपने हस्बैंड को लेके परेशान है, उसको कहा गया कि आप पेज पे भगवान का नाम लिखते रहिए, वो लिख रही है, वो राम जी का नाम लिख रही है, वो कुछ भी लिख, लेकिन उसके माइंड में क्या चल रहा है कि मेरा हस्बैंड ऐसे कर रहा है, मेरा वो ना ऐसा ना हो रहा हो, माइंड में क्या चल रहा है, उसके माइंड में वो थॉट चल रहा है, लिख वो रही है, तो वो लिखने का कोई फायदा नहीं है। आप भजन कीर्तन में बैठे हो, भजन कीर्तन नहीं सुन रहे, माइंड कहाँ है, वहाँ क्या चल रहा होगा, गले पे कितना पैसा इकट्ठा हो गया, बैंक में कितना है। तो बात यह है कि अगर आप भगवान का नाम लिख रहे हो या भगवान का नाम कर रहे हो तो वो ही कीजिए। गौर गोपाल दास बोलते हैं कि जब मैं पानी पी रहा हूँ तो मैं सिर्फ पानी ही पी रहा हूँ, केतु वो है कि जब मैं वो कर रहा हूँ, लिविंग इन द मोमेंट इज केतु। अगर कोई इंसान अपनी मोमेंट में जी रहा है उसका केतु बढ़िया है। अगर किसी इंसान, मैं बताऊँ राहु और केतु में फ़र्क क्या है सबसे बड़ा, राहु आपका एटीट्यूड है, हाउ यू थिंक, आपकी सोच या आपकी प्लानिंग क्या है, यहां पे क्या चल रहा है। मनी हीस्ट एक वेब सीरीज है, उसके अंदर एक कैरेक्टर है प्रोफेसर, मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वो। उस बंदे को सब पता होता है कि अगर ये हुआ तो मैं ये करूंगा। पुलिस प्लानर राहु, मतलब
मैं कहता हूँ राहु की अगर सबसे बढ़िया कोई रेमेडी हो सकती है ना, तो वो होता है ऑलवेज हैव ए प्लान बी ऑफ द प्लान बी। मतलब अगर प्लान बी भी फेल हो गया ना, मेरे पास उसका भी प्लान बी है। और राहु खराब कब होता है? जब इंसान इनसिक्योर होता है, या कुछ गलत करता है, या उसके पास कोई प्लान नहीं होता, तब राहु खराब होता है। अगर आप राहु ओरिएंटेड व्यक्ति हो, अगर दो ही तरीके के व्यक्ति हो। टॉक्सिक हैबिट से भी खराब हाँ, होता होता है? है, होता है, होता है, सब कुछ होता है। दो ही तरीके के इस दुनिया में व्यक्ति है, एक राहु ओरिएंटेड और एक केतु ओरिएंटेड। आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर आप एक राहु ओरिएंटेड व्यक्ति हैं, तो यू हैव टू प्लान ईच एंड एवरीथिंग। आपको एक बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि बिना प्लान से कुछ नहीं होता है, और प्लान के अकॉर्डिंग भी कुछ नहीं होता है। ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर एक राहु ओरिएंटेड व्यक्ति ये कह रहा है कि जो होगा देखा जाएगा, फिर जो होगा ना, फिर वो देखा नहीं जाएगा उससे, फिर वो परेशान रहेगा, फिर कहेगा मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं खराब, यू हैव टू प्लान, यू हैव टू ऑलवेज हैव अ प्लान, ऑलवेज हैव अ प्लान फॉर अ प्लान। हाँ, अब आते हैं केतु पे। केतु का एक ही रेमेडी है, डोंट हैव ए प्लान। कभी भी दिमाग मत लगाओ। केतु बोल रहा है डोंट रिकॉल। केतु के लिए एक ही रेमेडी होती है सबसे बढ़िया, कि डोंट केतु इज बॉडी, नेवर रिकंसीडर। मतलब अगर आपके मन के अंदर एक थॉट आ गया कि मुझे इस इंसान के लिए ये करना है अच्छा, या ये करना है बुरा, करना अच्छा करना है, बात की बात है, तो उस चीज को दोबारा ना सोचे। करना तो अब यही करना है, यहीं बैठ के खाना खाएंगे तो अब यही खाएंगे, चाहे उसको जीत कह लो। आपकी मोटिव क्या है? मोटिव क्या है केतु का? केतु एक लाइन में बोलूं तो आपका मोटिव है वाई। आप बोलते हैं ना, आपने लिखा सुना होगा, व्हेन द वाई इज क्लियर हाउ इज इजी, कई जगह पे कॉर्ड्स लिखे होते हैं। वो केतु की रेमेडी लिखी है, एक्चुअल में वो केतु की रेमेडी है। मेरी इंटेंशन क्या है, या हमारे जिन गुरुओं से हमने सीखा है कि मैं एस्ट्रोलॉजी क्यों कर रहा हूँ। लोगों को लग रहा होगा कि भैया यूट्यूब पे बता रहा है, ये पैसा कमा रहा है, ये लोगों के अंदर फेम इकट्ठा कर रहा है, लेकिन जो मेरा मोटिव है मुझे मालूम है कि मैं एस्ट्रोलॉजी क्यों कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं वो मुझे मालूम है, आप बता ही नहीं सकते। ऑडियंस का तो बताइए, सबको पता है, सबने मेरा है। तो इंटेंट पता क्या, इंटेंट को आप कितना मर्जी कोशिश कर लो, इंटेंट को आप बिल्कुल वैसा रख के बता ही नहीं सकते जो आपके अंदर इंटेंट है। हम क्या कहते हैं ना, इंटेंट को आप शेयर नहीं करते, नहीं कर ही नहीं सकते आप पूरी तरीके से। हम क्या कहते हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। हम बोलते ना, मैंने कोई बात बोल दी, सामने वाले को बुरा लगे, अरे मेरा वो मतलब नहीं था। आप सामने वाले को इंटेंट बता ही नहीं पाए अपना। इंटेंट चीज ही ऐसी है, वो डीप रूटेड है, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर, आप दिखा नहीं पाओगे। केतु जो है ना, वो रूट्स हैं, जड़ें किसी प्लांट के। जैसे यहाँ पे अगर कोई प्लांट पड़ा हो, तो उसकी जो रूट्स आपको दिखाई नहीं देंगी, वो मिट्टी के अंदर छुपी हुई होंगी। ठीक वैसे ही आपका इंटेंट जो होता है, वो आपके अंदर छुपा हुआ होता है। आपको नहीं मालूम कि वो सामने वाला जो आपका व्यक्ति मदद करने आ रहा है, उसका एक्चुअल में इंटेंट क्या है। और हमें क्लैरिटी रहती है इंटेंट की खुद को? इंटेंट की क्लैरिटी ना आप यहाँ से नहीं ले सकते, यहाँ से ले सकते हो। इंटेंट किसी का भी खराब हो सकता है। डॉक्टर आपको लग रहा हो यार ये डॉक्टर ना मुझे अच्छा इलाज दे रहा है। आजकल के टाइम में कितना सबसे ज़्यादा जो लूटपाट चल रही है वो कहाँ चल रही है, वो मेडिकल फील्ड में चल रही है। हमें क्या मालूम किस डॉक्टर की या किस हॉस्पिटल की क्या इंटेंट है, हमें तो लगेगा ये भगवान है। इंटेंट कभी भी दिखाया नहीं जाता, सोच दिखाई जा सकती है। इंटेंट दिख जाता है लोगों का आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप किसी से बाद में पता चलती है। केतु जो होता है ना, केतु के जो असली इंटेंट होता है ना, वो बाद में पता चलता है। बिग पिक्चर बाद में आती है, उसकी एक्चुअल पिक्चर बाद में आती है, बाद बिग पिक्चर की नहीं है। अब जैसे एक पीपल का पेड़ है, उसकी जड़ें आपको मालूम ही नहीं होगी कहाँ कहाँ तक फैली है। हो सकता है यहाँ से 100 मीटर पे कोई पीपल का पेड़ हो। ठीक है, आप मतलब इंटेंट कह रहे हैं कि आप अपने पिछले कर्मा का भी लेते चल रहे हैं साथ में, कि शायद आप खुद ही अवेयर नहीं है कि आप जो कर रहे हैं आगे उसका क्या बिगर पर्पस है। राइट, बिल्कुल। आपने ये सब बातें की, आपने सन के बारे में बात नहीं करी। सन सूर्य रह गया, सूर्य इज द कार का ऑफ सेंटर, एनीथिंग सेंटर, किसी भी चीज का जो सेंटर पॉइंट है वो सन है। हमारा सेंटर पॉइंट क्या है? किसी भी आत्मा, हमारी सोल, सोल का कारक है सोल इज सन। वाई? सोलर सिस्टम के सेंटर में कौन है? सभी प्लैनेट उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ का जो सेंटर है ना वो सूर्य को है। और सेंटर गवर्नमेंट का कारक कौन है? सूर्य है गवर्नमेंट का कारक। तो सन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट। सन खराब होता है लोगों का? कोई भी प्लैनेट खराब नहीं होता, कोई भी प्लैनेट अच्छा नहीं होता। खराब हो जाता है, हो सकता है, किसका नहीं हो सकता, के अपने कर्म से, वो बिल्कुल बिल्कुल, ये सब इंसान के। देखिए
अभी तक जितनी भी मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, सीखी, रेमेडी सब कुछ कर कर आके एक चीज़ के मैं क्रक्स पे पहुंचा हूँ लास्ट में, कि सर्वे कर्म वश्य वयम। मैं हर जगह ये लिखता हूँ कि सब कर्मों के ही अधीन है, सब कर्मों के ही अधीन है। तो सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ देना, मैं समझता हूँ कि ये कायरता है। कि अगर आप सिर्फ डेस्टिनी को लेकर रो रहे हैं कि मेरे भाग्य में तो यही लिखा था, तो वो कायरता है। वरना दशरथ मांझी साहब भी कह सकते थे कि मेरी पत्नी तो चली गई, मेरा तो भाग्य खराब है, पर उस इंसान डटा रहा। वो आज भी, मतलब आज से 500 साल बाद भी उस इंसान का, मतलब मैं जितनी इज्जत APJ अब्दुल कलाम साहब की करता हूँ, उतनी ही इज्जत मैं दशरथ मांझी साहब की भी करता हूँ। यहाँ बात एजुकेशन की नहीं है, बात यहाँ डेडिकेशन की है, कर्म, उस इंसान के कर्म जो थे काइंड ऑफ। और रेमेडीज की बात की जाए ना, जो सबसे बड़ी जो रेमेडी होती है ना, वो इंसान खुद होता है। आप कभी भी किसी रेमेडी के भरोसे मत बैठिए, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीन तरीके से रेमेडीज काम करती है, सोल लेवल पे, बॉडी लेवल पे और माइंड लेवल पे। बॉडी, माइंड एंड सोल लेवल पे। और सबसे बड़ी रेमेडी आप खुद हो, माइंड लेवल पे। माइंड कौन? खुद का दिमाग ठीक कर लो, सब ठीक है। थॉट प्रोसेस, मन जीते जग जीते। आप खुद का थॉट प्रोसेस अगर आपका चेंज हो गया, वो सबसे बड़ी रेमेडी है। मतलब फिर आपको किसी 100 ग्राम सिंदूर के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। आप किसी फ्रेंड्स के थ्रू अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर सकते हैं? प्लैनेट नहीं, आप अपने प्लैनेट आपको बताएगा कि कैसे कर सकते हैं। प्लैनेट आपको बताएगा कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका मार्स मून का कॉम्बिनेशन है, तो मार्स आपका एनर्जी है, आपकी मोटिवेशन है। ऑलवेज बी मोटिवेटेड, हमेशा एक एनर्जी में रहो, तो आपका थॉट प्रोसेस अच्छा रहेगा। वो ये कह रहा है, मार्स मून ये नहीं कह रहा कि आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग है, आपके पास इतना वो आ जाएगा, नहीं। ये लालच है। आप इंसान को क्या बना रहे हो? आप इंसान को अपाहिज बना रहे हो, ये कह के, एक शॉर्टकट का कोई रास्ता बता के, या काइंड ऑफ ये बता के कि भाई मेरी ज़िंदगी में तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी, माइंड एंड सोल पे ही रेमेडी होती है। अगर आपने खुद इसको ठीक कर लिया, सबसे बड़ी रेमेडी ये है। दूसरी रेमेडी अपना शरीर, क्योंकि हमारी बॉडी में लोग खुश तब रह पाते हैं जब उनका शरीर अच्छा होता है। शरीर तब अच्छा होता है जब उनका माइंड अच्छा होता है, और माइंड तब अच्छा होता है जब उनकी सोल अच्छी होती है। हमारे हाथ में क्या है, भौतिक दुनिया में माइंड एंड बॉडी को ठीक करना। आपकी बॉडी में 70% पानी है, आप सिर्फ अपनी हाइड्रेशन ठीक कर लीजिए, आपकी बॉडी के आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स अपने आप दूर हो जाएंगी। किसी को स्किन की दिक्कत है, वो अपनी बॉडी के अंदर अपनी हाइड्रेशन ठीक करता है, स्किन साफ होनी शुरू हो जाएगी। कहते हैं ना, पानी पियो, डॉक्टर आजकल बोलते पानी पियो, वो क्या बोल रहे हैं, आपका बॉडी का वो हाइड्रेशन को ठीक कर रहे हैं। जितना अनुपात, जितनी रेशो धरती पे पानी की है, ठीक उसी तरीके की रेशो हमारी बॉडी में भी है। और मून इज द कारका ऑफ वाटर, और चंद्रमा से ही हमारी धरती की, धरती का जो पानी है उसका, वो टाइड्स बनती हैं। अगर वो इतने बड़े पानी को अफेक्ट कर सकती है, तो 70% तो हमारी बॉडी ही पानी की है। जैसी पूर्णमासी आती है, आप देखोगे ना, होता है कि मेंटल स्टेबिलिटी जाती है, और मेंटल असाइलम में जो पेशेंट्स होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। और मैंने भी सम टाइम खुद फील किया है, जब फुल मून होता है, लाइक फुल मून की बात कर रहे हैं ना, दैट टाइम योर माइंड इज एक्टिव मोर। और ये फीमेल्स में ज्यादा होता है, और शिवरात्रि भी उसी रात होती है, फीमेल में ज्यादा होता है। जैसे फीमेल्स की, जैसे कहा जाता है, मतलब बहुत अच्छी एक रेमेडी के, देखो कुछ भी रेमेडी नहीं होता है, हम रेमेडी रेमेडी बोलते रहते हैं, रेमेडी कुछ भी नहीं होता है, बैलेंसिंग होता है कि हाउ यू हैव टू डू थिंग्स, ठीक है। अब जैसे किसी भी फीमेल को उसके मेंसुरेशन साइकिल में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका कारक है मून। तो सिंपली उसको बोलो कि आप मून लाइट में बैठो, आपका चीजें अपने आप ठीक होंगी, क्योंकि वो बैलेंस होगी उस नेचर के साथ, अलाइन होगी। तो जब कोई चीज नेचुरली ठीक होती है ना, तो वो लॉन्ग टर्म तक साथ देती है। तो आप रेमेडी, पता क्या, रेमेडी एक बैसाखी, एक डंडे की तरह, कि मेरे पैर जो है वो चोट लगी है, मैं उसके उसका सहारा ले लूं। लेकिन अगर आप उसके सहारे चलते रहोगे, तो फिर वो ठीक ही नहीं हो पाएगा। तो आप कह रहे हैं एस्ट्रोलॉजी जो है एक एडिशनल सपोर्ट सिस्टम दिया गया है हमको, कि अगर लाइफ में यू फील लॉस्ट और कंफ्यूज्ड, तो आप इसकी मदद से यू कैन मेक योर लाइफ बेटर एंड इम्प्रूव। सिर्फ गाइडेंस, एस्ट्रोलॉजी का काम सिर्फ गाइडेंस है। और हर फील्ड में, हर फील्ड में, मतलब पर्सनल फील्ड में नहीं, आपके बिजनेस के फील्ड में भी, हर फील्ड में एस्ट्रोलॉजी काम आती है। फॉर एग्जांपल, बिजनेस की मार्केटिंग पे आ जाओ,
अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि मरकरी इज़ द सिग्निफिकेटर ऑफ कनेक्टिविटी, और बिजनेस में हम क्या करते हैं, हम अपनी चीज़ को लोगों तक पहुंचाते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ। तो मरकरी बताएगा आपको कि आपको आपकी मार्केटिंग, अपनी बात सामने वाले के प्रति कैसे रखनी है। सो मरकरी हमारी विल पावर और डिसीजन मेकिंग में काम करता है, नहीं कनेक्टिविटी में काम करता है, कनेक्टिविटी में काम, जुड़ने अपनी बात कैसे रखनी है सामने वाले के प्रति, के सामने वाला उस चीज को सुने। अब फॉर एग्जांपल किसी का मून मरकरी का कॉम्बिनेशन है, तो मून क्या अर्जेंसी है, सेल अर्जेंसी। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आपकी कुंडली के अंदर मून मरकरी है, आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपको एडवर्टाइजमेंट दिखानी है यूट्यूब पे टीवी पे, तो आपको एडवर्टाइजमेंट आपकी कैसी होनी चाहिए, यू हैव टू सेल अर्जेंसी, यू हैव टू सेल इमोशंस, इमोशन का कारक है मून। मतलब आपने कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसी देखी होंगी तो लास्ट में पता चलता है प्रोडक्ट तो कुछ और ही था, लेकिन शुरुआत में क्या हो रहा है, शुरुआत में इमोशंस दिखाए जा रहे हैं। एक 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 ऐड है एडवर्टाइजमेंट 2-3 मिनट की ना, एक मूवी है, शॉर्ट मूवी, छत पे मिलते हैं, अंबुजा सीमेंट की ऐड है वो, उसमें पुराना बचपन दिखाया गया भी कैसे लोग छतों में मिलते थे, लास्ट में दिखाते हैं अंबुजा सीमेंट, उसका लेना देना नहीं है कोई, इमोशन से कनेक्ट कर रहे हैं अपने ब्रांड को। करेक्ट, मून मकरी, यू हैव टू कनेक्ट विद इमोशन। मार्स मकरी, स्टोरी टेलिंग, मार्स मकरी, यू हैव टू कनेक्ट विद द पीपल विद चैलेंज। आपने कुछ लोगों की एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, इस बात की गारंटी है वरना पैसे वापस, वो मार्स है। आजकल तो सोशल मीडिया, हाँ, अग्रेसिव मार्केटिंग कह लो, या चैलेंज के साथ कोई बात, कॉन्फिडेंस के साथ कोई बात बोली जाए। एक बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर है, बड़ा business.com, आप ये करो वो, कितनी एनर्जी के साथ बात कर रहे हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब, वो मार्स को दिखा रहे हैं अपने। हालांकि उनके चार्ट में अभी कुछ दिनों से उनका मार्स जो था वो नेगेटिवली चला है, लोगों ने देखा भी है कि मार्स कैसे नेगेटिव होता है, वो झगड़े कैसे करवा देता है, वो कंट्रोवर्सीज, क्योंकि मार्स इज द सिग्निफिकेटर ऑफ कंट्रोवर्सी, और कैसी कंट्रोवर्सी में भी वो रहे हैं, और मार्स इज द कारक ऑफ बॉडी एनर्जी, तो इसलिए उन्होंने जिमिंग स्टार्ट की, वो सब आपको प्लैनेट दिखेंगे काम करते हुए। मान लो किसी का कॉम्बिनेशन है सन मरकरी, तो सन इज द कारक ऑफ स्टेटस, आपको अपने ब्रांड के अंदर, आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर ये फील देनी पड़ेगी कि जब मैं ये प्रोडक्ट या सर्विस लूंगा तो मेरा स्टेटस राइज होगा लोगों के बीच में। अब फॉर एग्जांपल मोबाइल है एप्पल, कोई फोन है एप्पल, तो लोग एप्पल क्यों लेते हैं, एक स्टेटस सिंबल है, स्टेटस सिंबल है, वो सन का कारक है। यू हैव टू पुट दैट इमोशन इन योर मार्केटिंग, यहाँ एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प कर देगी। वो इसलिए नहीं कर देगी आप ये बहादुर ये कर, नहीं, एस्ट्रोलॉजी ये बताएगी कि आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी है। केतु मरकरी है, केतु इज ऑर्गेनिक, तो आपकी मार्केटिंग ऑर्गेनिक मार्केटिंग होगी। ऑर्गेनिक मतलब लोग बताएंगे कि भाई उसके पास चला जा। ऑफलाइन मार्केटिंग होगी केतु मरकरी में, राहु मरकरी में सारी मार्केटिंग ऑनलाइन होगी। एंड यू हैव टू थिंक समथिंग अनयूजुअल, कुछ जो आज तक कभी किसी ने ना किया वो आपको मार्केटिंग में लाना पड़ेगा। जैसे एक ब्रांड आया, एक जूस आया, पेपर बोट का वो जूस या कुछ ड्रिंक्स आती है, आज तक किसी ने वो बनाई नहीं थी, आज तक किसी ने वो चीज नहीं बनाई, उन्होंने कोई नई चीज इजाद की, उस कारण से उनका ब्रांड चल पड़ा। उन्होंने दे यूज्ड दैट प्लैनेट कॉल्ड राहु, पर राहु डिस्ट्रैक्शन भी है। अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो आप समझ लीजिए वो नेगेटिव राहु को लेकर चल रहा है, उसके प्रोडक्ट में दम ही नहीं है। अगर कोई प्रोडक्ट आपको बार 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 दिखाया जा रहा है, आप स्क्रॉल कर रहे हो वही ऐड बार बार आ रही है, मत लो उसको, वो सिर्फ दिखाया जा रहा है, दिखाया जाना इस राहु, एक्चुअल पिक्चर होती है उसके पीछे होती है। वो जो बार बार कोई चीज आपके सामने दिखा रहे हैं ना, भी ये ले लो, आपको लगेगा यार इतना बार कह रहा है तो एक बार चेक कर ही लेते हैं, तो आपके जैसे 100 करोड़ लोग और भी चेक कर चुके, उन्होंने अपना काम किया और निकल लिए। ये राहु है, राहु ऐसे जाएगा और ऐसे चला जाएगा, खत्म। कुछ लोग आपने देखे होंगे ना, इल्यूजन्स क्रिएट करता है, आप कह रहे हैं इल्यूजन भी क्रिएट करता है और सडन चीजें देता है एकदम से। राहु कुछ भी देगा ना, सडन देगा, चाहे वो फेम दे दे, सडन दे दे। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, रातों रात लोग जान गए, रातों रात लोग जान गए, वायरल हो गए, और वो वायरल कितना टाइम रहता है जरा बताना, उसके बाद नेक्स्ट कोई वायरल, नेक्स्ट ना कोई आ जाए, ब्रेकिंग न्यूज की तरह बदल जाएगा ना, खत्म हो जाएगा, मतलब उसका उसकी जो उम्र है ना वो कम है। लेकिन जो केतु की उम्र है ना वो हजारों साल तक चलने वाली है। केतु ओरिजिनल है, ऐसा इसलिए क्योंकि केतु धीरे 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 होता है। आपने एक सिंगर का नाम सुना है,
नुसरत फतेह अली खान साहब, हाँ जी, राहत फतेह अली खान हाँ साहब, जी, कब के हैं वो? बहुत पुराने, बहुत 80s 90s, जब जन्मे भी नहीं थे तब के हाँ वो कर रहे हैं, और आज भी उनके सॉन्ग्स जो हैं वो रिमिक्स होके बन रहे हैं। हाँ और आजकल के जितने सिंगर जो ये मतलब ऐसे ऐसे सॉन्ग्स गा रहे हैं, उनकी कितनी उम्र है, वो पैसा कमाते हैं गायब हो जाते हैं। ये राहु है, ये ऐसे जाएगा और ऐसे है। कुछ बाबा लोग आपको मिलेंगे रातों रात ऐसे छा गए, जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए खत्म, क्योंकि वो इलेक्शन के लिए लाए गए थे। लेकिन कुछ संत महात्मा आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको आज भी नाम याद होगा, दत्तात्रेय कितने भगवान कहते हैं उनको, तो मतलब उनको हजारों साल तक याद रखा जाएगा क्योंकि वो ओरिजिनल है। राहु नकली है, केतु ओरिजिनल है। राहु वो है जो आपके मन में एक भ्रम बन रहा है। पर राहुल, केतु एक्चुअल में कोई प्लैनेट्स नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ मून, देखिए राइट? ये ना ये एक मेटाफर है, मेटाफर है ये। बाकी सारे प्लैनेट्स हैं, दे आर फिजिकल बॉडीज, राइट? बट राहु और केतु को आई थिंक दो अपोजिट डायरेक्शंस बोला गया है, उसको इन, उसको समझ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, हाँ, और वो उसके सन के नॉर्थ हिसाब से चलता है वो ना, एक उसको समझने के लिए बनाया गया है, एक मेटाफर है। आपने क्या कहा कि मून के पॉइंट्स हैं, वो अभी मैंने आपको बताया। मून कौन? आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपके सबकॉन्शियस माइंड के वो राहु और केतु दो पॉइंट हैं, एक आपकी एटीट्यूड, आपका विजन कि आप कितना लंबा और बड़ा सोच सकते हो। पार्ट ऑफ मून ओनली। हर प्लेनेट की ना एक बेस होता है, अगर आपने उसका बेस ठीक कर लिया तो ऊपर जो उसके स्ट्रक्चर खड़ा वो अपने आप अच्छा रहेगा, जस्ट लाइक बिल्डिंग। तो हर प्लेनेट का एक बेस है। कैसे? जो सूर्य, जो जो सन है, सूर्य है, उसका बेस है आपकी खुद की डिग्निटी, आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी फैमिली। आप अपने फादर और अपने फैमिली के साथ अपने रिलेशन ठीक रखिए, आपका सन जो है वो परफेक्टली काम करेगा। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, आपका सूर्य बेस्ट है। मून पे आ जाते हैं, मून आपके इमोशंस हैं, आपके थॉट हैं। आप सामने वाले के प्रति क्या इमोशन रखते हो, अगर आप सामने वाले के इमोशन को मद्देनजर रख के कोई बात करते हो कि उसको बुरा ना लग जाए, तो आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है। पर पानी के अंदर दूध डाल के नहा लेने से तब फायदा है जब आप सामने वाले के इमोशन के ऊपर सोच के कोई बात करते हो। मतलब मैं तो जी बोल देता हूँ जी, सामने वाले को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, सामने वाले के इमोशन हर्ट हुए, आपके कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा है वो आपको प्रॉब्लम करेगा, 100% करेगा। फिर आप ज्योतिषी के पास जाओगे जी, वो आपको मोती पहना देगा, नहीं, कोई फायदा नहीं। अगर आप किसी के इमोशंस की कदर नहीं करते हो तो आपका मून खराब है। मार्स की बात करते हैं, मार्स आपकी देह है, बॉडी। आप अपनी बॉडी को, अपनी फिजिक को अच्छा बनाए रखिए। मतलब जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं उनका मार्स अच्छा होता है, और वो लोग लाइफ में मोटिवेटेड भी रहते हैं कुछ करने के लिए। आप जितने भी फौजी लोग देखोगे वो हमेशा मोटिवेटेड क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके अंदर एनर्जी है। एनर्जी क्यों है? क्योंकि उनकी बॉडी अच्छी है। बॉडी आपका मैकेनिज्म है, आपकी मशीन, ये जो हमारी मशीन कुदरत ने बनाई है, इसको आप बिल्कुल ठीक रखिए। मैं ये नहीं कहूँगा मार्स गुस्सा है, गुस्सा मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए, आपको आएगा, सबको आएगा, किसको नहीं आता? परशुराम जी की तो सबसे ज़्यादा आता था, बात वो नहीं है। बात ये है कि आप अपनी एनर्जी लगा कहाँ रहे हैं, ये मार्स कहता है। और आपकी एनर्जी तब सही जगह यूटिलाइज होगी जब आप फिजिकली साउंड होंगे। ये है सबसे बढ़िया मार्स की रेमेडी। मरकरी, मरकरी क्या है? मरकरी आपकी बुद्धि है, मरकरी आपकी खुशी है। तो ये तब तब खुशी देता है जब आपकी जिंदगी के अंदर कम से कम कोई एक काम ऐसा जो होगा जिसको आप एज ए हॉबी कर सकते हो। अगर आप अपनी हॉबी को फॉलो कर रहे हो, चाहे किसी भी काम में हो, हम बोलते हैं ये जी हमारी कॉलेज में बहुत किया था, हमारी हॉबी थी, पर हम आप छूट गई है, तो आपका मरकरी जैसा भी हो आप परेशान ही रहोगे। आप कोई ना कोई जिंदगी के अंदर 10 मिनट अपनी हॉबी के लिए जरूर निकालें, चाहे वो गिटार है, चाहे वो बुक्स हैं, चाहे वो घूमना है, नथिंग, कुछ भी है। चंद्रमा के लिए भी अच्छी रेमेडी मैं भूल गया बतानी, इस ट्रैवलिंग। जितने भी महान लोग रहे हैं हमारी इतिहास के अंदर, उन्होंने ट्रैवल जिंदगी में किया ही किया, और बड़े बड़े ट्रैवल्स किए हैं। मिसाल के तौर पर श्री गुरु नानक देव जी, चारों दिशाओं में उन्होंने ट्रैवल किया। किसी भी ऋषि मुनि का नाम ले लो, आपको पूरे देश के अंदर हर ऋषि मुनि के इतिहास मिल जाए, भाई यहाँ पे ये ऋषि आए थे, यहाँ पे ये आए थे। गुरुओं के नाम ले लो, सिखिज्म के 10 के 10 गुरु ने सब ने ट्रैवल किया। गुरु राम, अपने भगवान राम जी, वो श्रीलंकर तक चले गए, चलो किसी पर्पज से गए। श्री कृष्ण जी, हर जगह उन्होंने ट्रैवल किया, जन्म कहाँ हुआ, द्वारका कहाँ थी,
कुरुक्षेत्र कहाँ करवाया, तो एक जगह मत बैठे रहिए। तो इसीलिए चंद्रमा को चेंज कहा गया, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट। तो बदलते रहिए, बदलाव में विश्वास रखिए, अपनी जगह बदलिए। इसलिए लोग कहते हैं कि आपका मन खराब है तो आप थोड़ा सा घूम आओ। घूमने का क्या मतलब, थोड़ा खाना पीना चेंज होगा तो आप अपने आपका आपका माइंड बैलेंस रहेगा। तो घूमना इज द बेस्ट रेमेडी फॉर मून, तो घुमक्कड़ बने रहिए। मार्स हो गया मकरी, आपके हॉबीज है, आप सिर्फ अपनी हॉबीज को फुलफिल करते रहिए, आप जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। तीसरा कौन है, जुपिटर, नेवर एवर अनएथिकल। आप जुपिटर को सबसे ठीक रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको, ये चीज़ मैंने अपने गुरु से सीखी है और बहुत शानदार चीज़ अपनी ज़िंदगी में सीखी है, मैं इसको टॉप पे रखता हूँ, कि आपको किसी भी इंसान से एक चीज़ सीखने को मिली हो ना, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखिए। एक लाइन उसने आपको सिखाई हो, चाहे वो अच्छा इंसान हो चाहे आपके लिए बुरा इंसान हो, अगर आपने उससे कुछ सीखा है तो आप हाथ जोड़ के धन्यवाद कीजिए और आगे बढ़िए। उसको कभी निंदिए मत, कि उसका निंदा मत कीजिए कि यार उसने मेरे को ये तो सिखा दिया लेकिन आदमी अच्छा नहीं है वो, नहीं, आप अपना जुपिटर खराब कर रहे हो। आप एथिकल रहिए और आप धन्यवाद कीजिए, जस्ट बी ग्रेटफुल, आपका जुपिटर बढ़िया रहेगा। शुक्र क्या कहता है, शुक्र आपकी फिल्टर है, किसी भी चीज़ को फिल्टर करना, मतलब मेरे अंदर 10 चीज़ें मुझे आती हैं लेकिन 10 में से वो टॉप की 2 स्किल जैसी हैं, अगर मैं इसको इस्तेमाल कर लूँ तो सामने वाला ये कहेगा कि मैंने ये चीज़ बोली कहाँ से, जस्ट काइंड ऑफ ब्रह्मास्त्र, कि अगर मैंने ये चला दिया, मतलब एक चीज़ को आपने 10 चीज़ों को फिल्टर आउट करके, हम जैसे फिल्टर लगाते हैं ना कुछ सर्च करते हैं, तो फिल्टर स्पेसिफिकली किसी चीज़ पे काम करना इश वीनस, कि मैं अपनी गुण को और भी ज़्यादा अच्छा बढ़ाऊंगा, एक चीज़ अच्छी है उसी को और बढ़िया करता रहूंगा, उसी वही मेरा हथियार सबसे बड़ा बन गया, वो शुक्र है। इसलिए शुक्र संजीवनी है, एक ही चीज़ काम करेगी लेकिन बहुत बढ़िया करेगी। सैटर्न, सैटर्न क्या है, सैटर्न न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सैटर्न के लिए एक ही चीज कही गई है, कंटिन्यूटी, नेवर गिव अप, बस करते रहो। आप अगर आपने गिव अप कर दिया, अगर आप लेजी हो गए तो वो सैटर्न आपका खराब है, जस्ट करते रहो, कंटिन्यूटी, लगे रहो बस, वो सैटर्न की रेमेडी है। इसको मेहनत कह देते हैं, तो मेहनत कभी ना कभी फल जरूर देती है, किसी ना किसी रूप में देती है, कभी जाया नहीं जाती। लास्ट के 2 प्लैनेट रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ब्यूटीफुल प्लैनेट्स जो एक्चुअल में दुनिया चला रहे हैं, राहु आपकी विजन है, राहु आपकी विजुअलाइजेशन है। अब विजुअलाइजेशन से अपने आपको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, आप सिगरेट छोड़ना चाह रहे हो, अपने आपको विजुअलाइज करो कि सिगरेट मैं अपने पास ला रहा हूँ फेंक रहा हूँ, पास ला रहा हूँ फेंक रहा हूँ, 3 दिन तक करो, 4th दिन जब आप पीने लगोगे ना, आपके मन में एक बार थॉट जरूर आएगा फेंकने का। तो जब आप किसी चीज़ को कंटिन्यूटी में वैसे राहु के जरिए में करते हो विजुअलाइजेशन में, तो वो चीज़ चलती है, काम करती है। आप क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो और कितना लंबा सोचते हो, वो राहु है। मिसाल के तौर पे मेरा फेवरेट कैरेक्टर प्रोफेसर, मनी हिस्ट में आप उसको देख सकते हो। लास्ट सबसे पावरफुल प्लैनेट केतु, आपको आपकी नीयत के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ है तो आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, दुनिया के नज़र में आप बुरा भी कर रहे हो, आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, ये केतु है। और कभी भी गलत काम भी करना पड़े तो उसको साफ नीयत से करो, झूठ भी बोलना पड़े तो साफ नीयत से बोला जाए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कभी झूठ बोला है लेकिन वो एक अच्छी नीयत से बोला था, तो इसीलिए उसको हम पाप में नहीं गिनते, क्योंकि पाप जो है वो आपका इंटेंट करता है, शरीर नहीं करता। इंटेंट खराब है तो आप चाहे मुंह पे किसी के कितने मर्जी मीठे हो, बट अगर इंटेंट खराब है तो आपका केतु खराब है, और केतु जड़े हैं, और अगर जड़ें खराब होगी तो जड़ों से उखड़ जाओगे, जिस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो उखड़ गई। इंटेंट खराब था, अच्छा राज किया, जैसे इंटेंट खराब हुआ साफ हो गए, और किसी और का इंटेंट खराब हो रहा तो वो भी साफ होना शुरू हो जाएंगे। तो केतु जो है वो जड़ें हैं, वो जड़ों से उखाड़ देगा, वो खराब नहीं करेगा, वो ख़त्म कर देगा। तो इन 9 प्लैनेट्स को अपनी ज़िंदगी में अलग अलग डोमेन्स में अलग अलग तरीके से उतारिए, विचार कीजिए। प्रणाम, जय श्री राम। आई मस्ट से आपने बहुत ऑनेस्टी से और बहुत सिंप्लिसिटी से एक्सप्लेन किया ये 9 प्लैनेट्स और इनकी बेसिक रेमेडीज। आई होप हमारे ऑडियंस को ये हेल्पफुल रहे। आपके प्रोफाइल में कबाला न्यूमरोलॉजी भी है, उसके बारे में बताइए, मैंने कभी नहीं सुना इसके बारे में, इतना पता ये हिब्रू वर्ड है। हाँ देखिए, दुनिया में ना 3 ऐसी सिविलाइजेशंस रही हैं जिन्होंने एक्चुअल में अकल्ट साइंसेस पे काम किया, एक चाइनीज, एक भारत की सनातन, और तीसरी इसराइल के लोग।
ठीक है, इसराइल में सबसे ज़्यादा इन चीज़ों पे काम हुआ है। जो आम एस्ट्रोलॉजी है ना, जिसको हम चेल्डियन एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जैसे आपका नाम सारिका है, तो अगर मैं आपके नाम के अंदर एक ए एक्स्ट्रा लगा दूं तो मैं आपको सारिका थोड़ा ना बोलूँगा, सारिका ही बोलूँगा। और हमारे सनातन के कल्चर के अंदर, अब मैंने आपका एक पॉडकास्ट में सुन रहा था, तो एक व्यक्ति बहुत अच्छा श्लोक उच्चारण कर रहा था, हाँ जी, अब हमारे सनातन के अंदर श्लोक कहा जाता है कि श्लोक बताइए, श्लोक उच्चारण कीजिए, मंत्र उच्चारण अब कभी नहीं कहा जाता, लिख के दो। उच्चारण एनर्जीज है, जब आप किसी का नाम बोलते हो तो ना वो अपने आप में एक मंत्र है। मतलब अगर मैं 100 लोगों के बीच में अगर आपका नाम बुलाऊंगा तो आप मुड़ के देखोगे और कोई मुड़ के नहीं देखेगा, क्योंकि वो मंत्र, वो वाइब्रेशन आपके यहाँ फिट हो चुकी है। कबाला न्यूमरोलॉजी काम ही सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पे करती है, ऑन साउंड्स, नाद, शंख नाद बोलते हैं, तो इसलिए मैंने इसका नाम अंक नाद रखा था। नाद मतलब वाइब्रेशन, हर एक थॉट की वाइब्रेशन होती है, हर एक वर्ड की एक वाइब्रेशन होती है। तो वो लिखने में कैसा भी आ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक उसकी एक वाइब्रेशन नहीं बदल जाती बोलने में, क्योंकि हमारे यहाँ मंत्रों का उच्चारण चलता है, मंत्रों का लेखन नहीं चलता है। हाँ जी। अब जब घर में मंत्र का उच्चारण होता है तो घर की एनर्जी बदल जाती है। हाँ जी। हवन होता है ना, मंत्रों का उच्चारण होता है, वो एनर्जी कहाँ से बदली? वो बोलने से बदली, वो लिखने से नहीं बदली थी। तो कबाला न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो आपको एग्जैक्टली उन चीजों के साथ कनेक्ट करती है जो आपके लिए बनी है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी जो है ना वो एक कनेक्टिंग साइंस है। जिस तरीके से हम FM रेडियो चलाते हैं तो हमको 98.3 करना, 98.4 पे भी नहीं चलेगा, 6 पे भी नहीं चलेगा। इसका मेथड क्या है? जस्ट साउंड पे वर्क करते हैं, तो ये नेम्स के लिए होती है, किसके? हर चीज के लिए, चाहे वो आपकी कंपनी का ब्रांड नेम हो, चाहे वो आपकी कंपनी का लोगो हो, आपका खुद का नाम हो, आपकी कंपनी का मोटो हो। अब जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है तो अपना एक मोटो सेट कर लेती, सबके मुंह पे वो आता, अच्छे दिन आने वाले हैं, मुंह पे सेट होगा, उसकी वाइब्रेशन ऐसी थी, वो फिट हो गई, उस चीज को टोटल किया गया, ठीक है, अब की बार 400 पार। मतलब सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कैसी कैसे ऐसे वर्ड्स को कनेक्ट किया जाए कि क्या इम्पैक्ट छोड़ रहा है। बिल्कुल, आप जब कुछ बोलते हो, किसी का नाम लेते हो ना, तो नाम क्या है? इज अ सेट ऑफ वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स। आप जब बोलते क ख ग घ न तो आपका पीछे वाला पैलेट इस्तेमाल हो रहा है, बोल दो प फ भ भ म तो आपका लिप्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हर एक लाइन के लिए अलग अलग बॉडी, अलग अलग माउथ का जो पार्ट यूज हो रहा है, तो उसका सेट्स बनता है, तो एक नाम जो बनता है, एक मंत्र बनता है, उस अकॉर्डिंग हमारा पैटर्न बनता है। तो आप नेम में और इन सब चीज में मॉडिफिकेशन करते हैं इस न्यूमरोलॉजी के? वाइब्रेशन में मॉडिफिकेशन करते हैं कि हमारे लिए वो कौन सी फ्रीक्वेंसी मैचिंग है एक्चुअल में, मेरे नाम के हिसाब से कौन सी होगी। वो ऐसे एकदम से नहीं, कैलकुलेशंस होती हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, चार तरीके के नंबर्स होते हैं, जिसमें से आपको मैं दो बताता हूँ। एक होता है आपका एक्टिवेटर नंबर। एक्टिवेटर नंबर वो नंबर होता है जो आपको बुरे से बुरे हालात, जो मतलब आप सोच, अब आप लोगों को आपको लगेगा भी अब जिंदगी खत्म है, अगर आपने उसको बुला लिया, मतलब बुला लिया से मतलब उसका यूज कर लिया, तो आपको वो उठा के उस सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में रख देगी। वो इतनी पावरफुल चीज है, वो बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है उसके लिए। अच्छा, उसके वो एस्ट्रोलॉजिकल एक मेथड भी है। यू मैच साउंड विद इट। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो इतनी है कि अगर आपने उसकी वाइब्रेशन के ऊपर अपना कंपनी का नाम रख लिया तो अपने आप वो फेमस हो जाती है। अच्छा, वो ब्रह्मास्त्र की तरह है, वो नंबर्स होते हैं। खैर, ये भी हमारा टॉपिक, इसके अंदर एक बहुत, ये एक एक टॉपिक है, बहुत बड़े टॉपिक का ये एक बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन कबाला न्यूमरोलॉजी में एक लाइन में कहूँ तो इट इज़ ए हिडन साइंस। ये वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग राज कर रहे हैं। हर फील्ड में कुछ लोग टॉप पे होते हैं, हर फील्ड में, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में भी लोग टॉप पे हैं। मैंने इस चीज़ को सिखाने का एक तरीके से इनिशिएटिव एक इंटेंट से लिया है, बट मैंने ये भी लिया है कि मैं इसको एक ही बार सिखाऊंगा, क्योंकि ये हर किसी के लिए नहीं होगी, कि जो इंसान डिजर्विंग होगा ये भगवान अपने आप उसको भेजेगा कि ये तेरे लिए है, उसके बाद ये, क्योंकि सीक्रेट चीज़ें जितनी हो सकती हैं डिजर्विंग लोगों को दी जाए, और डिजर्विंग लोग ही अपने आप आ जाते हैं। कुदरत कुछ ऐसा खेल खेलते हैं कि आपके पास खुद ही चल के आते हैं वो, जब आप किसी चीज़ को, क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता है, कह सकते हो, क्योंकि अगर वो चीज़ सबको मिल गई तो जो लोग गलत इंटेंट से इस दुनिया में काम कर रहे हैं तो उनका गलत इंटेंट भी तो फैल जाएगा।
हम चाहते हैं कि जो लोग एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी या कल्ट साइंसेस को आगे लेके जाना चाह रहे हैं उनके लिए ये साइंस रखी जाए, और बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, एंशियंट साइंस है, एक्चुअल में जो शुरू हुई थी ना, ये रूट्स हैं उस चीज़ की। बाद में लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और चीज़ें इस्तेमाल करने लग गए कि आपके नाम के अंदर डबल ओ लगा दो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। मैंने डबल ए लगाया। क्या हो गया उससे? पता नहीं, गुड फील हुआ। और अगर मैं आपको चेंज किया, क्या चेंज किया पता नहीं, बचपन से ये था, एक और ए लगा दिया, बस वो मेंटली हुआ कि मैंने एक ए लगा दिया, बहुत कुछ हो गया, मतलब ठीक है, अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आप उसकी वाइब्रेशन चेंज कर दो, आपने आमतौर पे सुना होगा कि कुछ पॉलिटिशियन, मैंने किसी कहने पे लगाया, मैं बोल रहा हूँ, आपने कुछ लोगों को सुना होगा, कुछ पॉलिटिशियन है उनका एक्चुअल नाम को तो कुछ और होता है, लेकिन वो किसी और नाम से, किसी और नाम से फेमस हो जाते हैं। दिलीप कुमार मूवी स्टार, उसका नाम यूसुफ खान। हाँ, तो वो दिलीप कुमार, वो जो मात्राएं आई हैं, वो कंसोनेंट वॉवल्स आए, उसका जो टोटल आ रहा है ना, उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो रहा है जो उसको फेमस कर सकता है। एकता कपूर की मूवी सारी कहाँ से स्टार्ट होती है? कह सकते हो। अब नाम्स में लो, कुछ धर्मों में और कुछ मजहबों में ना आपको कुछ ऐसे नाम्स मिलेंगे, नेम्स मिलेंगे जो एंड जो हो रहे हैं वो कंसोनेंट से हो रहे हैं ज्यादातर, जैसे सिखिज्म में गुरदीप, मनदीप, हाँ, सिमरजीत, हाँ, भूपिंदर, हाँ, जसवीर, तो लास्ट कंसोनेंट से एंड हो रहे हैं, र क प ट। अब सनातन में जरा लड़कियों के नाम बोलना, सारी का, आ, अंकिता, मतलब वॉवल्स पेंड होंगे, श्रेया, रेनु, मेघा, आस्था, सारा। आप देखिए नाम जितने, संजय, हाँ, जितने नाम जब कंसोनेंट पेंड होते हैं या वॉवल्स पेंड होते हैं या शुरू कंसोनेंट से होते हैं, वॉवल्स पे शुरू होते हैं, यहाँ से कोडिंग स्टार्ट होती है चीज की। ओके, ऐसे नहीं कि भी ब्रांड का नाम ऐसे नहीं रख दिया जाता बाटा। बहुत ही इंटरेस्टिंग अकल्ट साइंस है। अकल्ट साइंस का मैं बताऊं कितना पार्ट है, जैसे आपके यहाँ ये लगा हुआ ना सारा साउंड प्रूफ का, तो इसके अंदर एक पार्ट है ना, ये इतना सा, वो पूरे अकल्ट का शायद इतना भी नहीं होगा ये। ओके, कबाला भी, मतलब उसका एक पार्ट जरूर है ये, बहुत, ये मतलब अंतरिक्ष की तरह एंड नहीं है इसका, अगर आप उसको यहाँ से समझोगे। बिकॉज़ कॉस्मो इज मेड ऑफ साउंड्स। शुरुआत कहाँ से हुई थी? Sound, क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी, साउंड, पहले ओम था, ओम क्या, एक साउंड है, तो उसमें ओम में डबल एम तो नहीं है, ट्रिपल एम तो नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक साउंड है। मैंने एक बुक पढ़ी थी, द मिस्टिक ऑफ साउंड्स करके, इफ आई एम करेक्टिंग इट राइट, बहुत टाइम हो गया, तो उसमें लिखा था कि जो आत्मा थी ना वो शरीर में जाने के लिए रेडी नहीं थी, तो तब भगवान ने साउंड का वो किया था कि वो साउंड के उससे सुन के ही इट एंटर्ड द बॉडी, वो तभी राजी हुई। वो जो अंग की साउंड, अंग की, जैसे वो ओम में भी है, हाँ, वो एक ओंकार में भी है, वो आमेन में भी, अंग की साउंड जो है ना, वो जहाँ से वो शुरू हो रही है ना, ये कबाला न्यूमरोलॉजी उसकी जड़ है। तो मतलब एक बी, एक आर, एक ए लगाने से अच्छा है कि आप वो फ्रीक्वेंसी ढूंढिए कि जब आपका एफएम रेडियो उस पर चल पड़े, 98.6 पे चलेगा तो 98.6 पे ही चलेगा, वो ना 5 पे चलेगा ना वो 7 पे चलेगा, वो 6 जब तक वो करेक्टली बैलेंस नहीं, अलाइन नहीं हो जाता, तब तक उसके ऊपर वो काम नहीं करेगा। और तो, ये सब कुछ हार्मफुल भी नहीं होता, अगर इफ यू आर डूइंग इट फॉर योर बेटर इंप्रूवमेंट, आप किसी के गलत के लिए नहीं कर सकते। देखिए, कुछ हार्मफुल और कुछ बेनिफिशियल नहीं होता, कोई भी चीज बैलेंस करते हैं ना, जब हम, आपने देखा होगा ना वो तकड़ी, आप कुछ बैलेंस करोगे तो वो बेनिफिशियल ही हो जाएगा ना। आप अगर इस चीज को नीचे, आपने सी सॉ देखा है, हाँ, अगर एक चीज को नीचे करते हो तो एक चीज ऊपर हो जाती, हाँ, है, अगर कोई चीज बैलेंस हो रही है, ऊपर नीचे भी एक बैलेंस, धीरे 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 ऐसे ऐसे चलता रहता है, लेकिन अगर वो मूवमेंट नहीं है तो वो, अगर वो बैलेंस हो गई ना तो वो खत्म हो चुकी है एक्चुअल में, कुछ ना कुछ जाएगा तो कुछ ना कुछ आएगा। बैलेंस इज ए मतलब काइंड ऑफ खत्म हो जाना, वो जीरो हो गया, शून्य हो गया। आपका जो ओल्ड लाइफस्टाइल है या आपका ओल्ड सेल्फ है, अगर आप ये साउंड सिस्टम, ये न्यूमरोलॉजी का वाला आप यूज करते हैं, तो यू कैन से कि एक न्यू सेल्फ जो है वो आपके अंदर आता है। हाँ, बिल्कुल 100% चेंज हो जाता है उस चीज से। कबाला न्यूमरोलॉजी इज द गॉड ऑफ, फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी, मैं एक लाइन में कहूँ तो, असली चीजें वहां से स्टार्ट हुई थी, किसी को वो ना मिल जाए सब कुछ, इसीलिए चीजों को बांट के लोगों को, ये कोर्स कर लो, 99 रुपए में एक्सपर्ट बने, ये करें वो करें, वो चीजें चला दी गई। आप निकालेंगे अपने कोर्स? मैं ऐसे 99 वाला नहीं निकालता कभी, 99 वाले नहीं, बट वैसे, पर अगर मैं पढ़ा रहा हूँ किसी को तो मैं उसको पूरा देता हूँ कि भाई ये करो और देखो, वेबिनार वगैरह नहीं। देखो, फीस लेना अगर कोई 99 भी ले रहा है, 99 लाख ले रहा है, इज नॉट ए रॉन्ग थिंग। दक्षिणा अगर आप किसी चीज की नहीं दे रहे हो, हाँ, तो आप अपने आप पे उस चीज को भार
डाल रहे हो। और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं अगर किसी मूल्यवान चीज की मूल्य ना लिया जाए तो अपना महत्व खो देता है। पर जो ये कोर्सेज है ना लोग अट्रैक्ट होके ज्यादा, मैं आपको बात बताऊं, अकल्ट अकल्ट ऐसा साइंस है ये कभी कोर्सेज से सीखा जा ही नहीं सकता, वन टू वन। जब जितने भी स्टूडेंट कभी कभी मतलब मैं ऑफलाइन वेबिनार ऑफलाइन जब सेमिनार रखते हैं तो वहां पे कुछ नहीं होता कि भी ये पढ़ेंगे, वहां डिस्कशन होती है दो दिन तक। और वो खुद कहते हैं ऐसा कि जी ऑनलाइन तो सिर्फ कोर्स होते हैं लेकिन विद्या यहाँ से मिलती है एक्चुअली, ज्ञान जब भी पढ़ना और समझने में फर्क है। हम भी हमें भी बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि हम अपने गुरु के पास बैठ के, हाँ मुझे बस एक या दो बार मौका मिला ऐसे भाई गुरु के पास पर्सनली अकेले में बैठ के कुछ ना कुछ दो या तीन मिनट के लिए मिला, लेकिन वो दो या तीन मिनट मेरी लाइफ के लिए अपने आप में बहुत बड़ी एनर्जी थी, वहाँ से चीज़ें मेरी बदल गई। तो जब ऑनलाइन पढ़ते हैं तो वो ना सिर्फ एक कोर्स के माध्यम में पढ़ते हैं बस एक 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 कमर्शियल वे में, लेकिन ज्ञान कमर्शियली नहीं आ सकता, ज्ञान जो आता है वो गुरु के पास बैठ के ही आता है। थैंक यू सो मच अनुभव हमारे शो पे आने के लिए, हमारे शो का पार्ट बनने के लिए और अपनी नॉलेज हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए, और ये स्पेशल एक जो आप नया टॉपिक लेकर आए हैं कबाला न्यूरोलॉजी उसके बारे में अवेयरनेस देने के लिए, थैंक यू सो मच। तो ये छोटा सा हेल्पर है हमारे शो पे आने के लिए, फॉर गिविंग अस योर टाइम इन एक्सचेंज ऑफ दैट, थैंक यू सो मच। आई होप यू डू वेरी वेल इन लाइफ और जो आपका इंटेंट है वो बहुत लोगों को अवेयर करे। थैंक यू। ओके तो सभी को प्रणाम, मेरा नाम है अनुभव शर्मा और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मेरा चैनल है दी एस्ट्रोलेंसर नाम से, और मैं लाइफ में अपना पहला मैंने पॉडकास्ट दिया है सारिका जी के साथ और सीरियसली बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैंने फर्स्ट टाइम इस तरीके से मतलब मुझे कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन इतना लाइटली और इतना अच्छे वे में मतलब जो पॉडकास्ट हुआ मुझे बिल्कुल भी मतलब मैं प्लान करके नहीं आया था, और बहुत मैंने प्लानिंग की थी भाई ये टॉपिक्स ऐसा कुछ बोलेंगे लेकिन वो बातें ही और इंटरेक्शन ही कुछ ऐसी हुई कि वो सब कुछ साइड में रख के सब कुछ एक नेचुरल वे में चला और बहुत अच्छा लगा सीरियसली, और मतलब सिर्फ कहने के लिए नहीं मुझे अंदर से इस चीज़ को बहुत कहने में अच्छा लग रहा है, और मैं चाहूँगा कि आगे भी जो है मैम के साथ जो है मतलब पॉडकास्ट किए जाएँ, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को, मैम के चैनल को और मेरे चैनल को भी, दोनों के चैनल को आप जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा लगता है तो आप उन लोगों से शेयर कीजिए इन वीडियोस को, इन इंफॉर्मेटिव वीडियोस को जिन लोगों को इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू।